Dwells. India is at nine runs for four wickets. It's a lovely sunny day for batting, but it looks like the Indian batsmen have missed the brief. That's another one gone. This is a disaster. What's the score? 9 runs. 4 good down. That's another blow for the Indian team. Roger Roger Binny hits it towards the final, sends that one across the boundary, He plays that one really. The played that immaculate. Where is our team bus? No bus here for Indian team. That one has caught him on his pads, and there are his marching orders. Hey, Ram, भाई नेट प्रैक्टिस है हमको चुमा टुकु टुकु खेलने नहीं आता और कपल ऐसे समझा दे मैं सर पे मार देनी बॉल रेन तो मदी पर नहीं आती उसे डिफेंस उस दिन हवा काफी तेज थी तो विद द विंड मारना थोड़ा सा इजी होता है ओह ही सेट दैट वन आउट अ मैसिव मैसिव सिक्स चिके उधर क्वीन को आग मत तो मार देना श्रीकांत बेस्ट ऑफ मदीपा आउट हो गए तो मानो ऐसा लगा कि बस जमीन थम गई कमानी टेक्स अ सेफ सिंगल किरी मियां हमारे लास्ट रिकॉग्नाइज बैट्समैन थे ओए बल्लू इसे बोल कल तुझे देख लूंगा बात सुन ओए क्या बोला था कल तुझे देख लूंगा सी यू टुमारो कैपल्स टेकिंग द बल्क ऑफ द स्ट्राइक एंड रोटेटिंग इट टू किरी एट द एंड ऑफ एवरी ओवर I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. Two wickets down in quick succession. And that's a six over the long off. And that's another big one, just like the last one. Kapil's pulled it towards fine leg, and they'll take two. I say before, we're here to win. The ball is up in the air. it The fielder is under it. Surely he's gone. Oh, he's dropped it. दोस्तों हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं धर्म है इसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक में क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है यही वजह है की बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में क्रिकेट पर आधारित हैं जिनमें कई सुपरहिट रही इसी कड़ी में दिग्गज फिल्म मेकर कबीर खान की फिल्म तिरासी जिसमें रणबीर सिंह दीपिका पादकोड़ और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं। उनके साथ बोमन ईरानी ताहिर राजभिन जीवा साकिब सलीम जन्नी सरना चिराग पाटिल दिनकर शर्मा निशांत दहिया हड़ी संधू, साहिल खट्टर अम्मी विक्र आदिनाथ कोठारे धारी करवा और आर बद्री जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं फिल्म एट्टी थ्री की कहानी साल उन्नीस में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर आधारित है जिसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अभिनेता रणबीर सिंह तो उनकी पत्नी रोमी भाटिया के किरदार में अभिनेत्री दीपिका पादकोड़ हैं यह रणबीर सिंह की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है जिसे हिंदी के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज किया जा रहा है फिल्म की रिलीज से पहले ही प्रेस शो आयोजित किया गया जिसमें शामिल फिल्म को ने बहुत ही सकारात्मक समीक्षा दी है सभी का एक सुर में मानना है कि फिल्म देर से रिलीज हुई लेकिन दुरुस्त है फिल्म इमोशन जोश और जज्बे से भरी हुई है इसमें अपने दमदार अभिनय के लिए अभिनेता रणवीर सिंह ने समा बांध दिया है वो आप स्क्रीन चाहे जितना नॉन सीरियस देखते हो लेकिन पर्दे पर उनकी छप जुदा रखती है अपने मूल स्वभाव से विपरीत भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के धीर गंभीर और जिम्मेदारी से भरे किरदार अपने बेहतरीन अभिनय से जान डालकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर तरह का रोल सफलतापूर्वक कर सकते हैं बहुत कम स्क्रीन स्पेस इस मिलने के बावजूद अभिनेत्री दीपिका पादकोड़ ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है रणवीर देविका की रियल लाइफ केमिस्ट्री रील पर भी परफेक्ट दिखती है पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह शानदार काम किया है इसके साथ ही टीम इंडिया के दूसरे अहम सदस्यों जैसे फारूक इंजीनियर के किरदार में बोमन ईरानी सुनील गावस्कर के किरदार में ताहिर भसीन यशपाल के किरदार में जनित सरना मदन लाल के किरदार में हाड़ी संधू, बलविंदर संधू के किरदार में एम विक्र श्रीकांत के किरदार में तमिल एक्टर जीवा महेंद्र अमरनाथ के किरदार में साकिब सलीम ने अपना सौ फीसदी दिया है सबसे बड़ी बात की ये सभी कलाकार केवल अभिनय ही नहीं बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस और चेहरे से भी टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों के हूबहू प्रतिरूप लग रहे हैं जिन्होंने उन्नीस में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म तिरासी को पाँच में से चार स्टार देते हुए बिनर बताया उनकी माने तो इस फिल्म को उन सभी को जरूर देखना चाहिए जिन्होंने इतिहास को बनते हुए देखा था दोनों की तरह लोग ये फिल्म देखकर रोमांचित हो उठेंगे बॉलीवुड हंगामा के लिए त्र आदर्श ने लिखा है पर्दे पर भारतीय क्रिकेट के उन ऐतिहासिक जीत को दर्शाना कठिन काम है उससे भी तब ज्यादा कठिन हो जाता है जब ये ऐतिहासिक जीत कई दशकों पहले हुई हो सटीक तथ्यों और कहानी के अलावा कहानीकार को उस युग को फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत होती है इसके साथ इन किरदारों के साथ भी न्याय करना पड़ता है उन्होंने जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है इन सभी पैमानों पर निर्देशक कबीर खान खड़े उतरे हैं दर्शक फिल्म देखते हुए उस पल को जीते हैं कबीर खान का निर्देशन बेहद शानदार है एट्टी थ्री एक कठिन फिल्म है और सच्चा में अभिनेताओं की उपस्थिति के बावजूद यह सपोर्ट ड्रामा का निष्पादन कमतर होता तो फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं होती कबीर अपना सबश्रेष्ठ साथ देते हैं दूसरे और तीसरे एक्ट में बाजी मार ले जाते हैं इसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलने के साथ याद के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं कुशलता के पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम तक ड्रामा इमोशन और कॉमेडी को संतुलित करते हैं इस फिल्म में म्यूजिक का ज़्यादा स्कोप नहीं है फिल्म का एक गाना जो आपके होठों पर रह जाता है वो है लहरा दो बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी है कैमरा फिल्म के मूड को सटीकता के साथ कैप्चर करता है कलाकारों की भरमार है लेकिन सभी ने अपना किरदार ईमानदारी से निभाया है फिल्म के लीड एक्टर रणबीर सिंह भी सबसे शानदार हैं बॉलीवुड लाइफ के लिए रसल डी सिल्वा ने लिखा है फिल्म ख़त्म होने के बाद जब आप सिनेमाघर से बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में इसके सीन ही चलेंगे फिल्म में कबीर खान का डायरेक्शन मास्टर क्लास है यकीन मानिए इस फिल्म के शोज के दौरान सभी सिनेमा हॉल स्टेडियम बन जाएंगे हालांकि डायरेक्शन तभी सफल होता है जब उसकी कास्ट भी कमाल के परफॉर्मेंस देती है इस फिल्म में रणबीर सिंह ने वही कमाल किया है उन्होंने केवल अभिनय ही नहीं बल्कि दिग्गज क्रिएटर कपिल देव के किरदार को जिया है सच में कह तो पूरी की पूरी कास्ट ही शानदार है फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एडिटर जिनित वैद्य ने भी अच्छा काम कर दिखाया है फिल्म ऐसी है कि आप तालियां बजाने खुशी से उछलने और आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे फिल्म आपको नस्टैलजिया में ले जाती है कोई मोई के लिए उमेश पनवानी ने लिखा है साल उन्नीस में मिली उन ऐतिहासिक जीत की कहानी बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फिल्म तिरासी देखने के बाद उस जीत के इमोशन को महसूस किया जा सकता है फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने संजय पूरन सिंह चौहान वासना वाला के साथ एक ऐसी कहानी लिखी है जो उस ऐतिहासिक पल के गवाह न बन पाने वाले लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है कबीर खान के सबसे भरोसेमंद सिनेमाटोग्राफर आसिम मिश्रा ने अपने कैमरे से रिक्रिएट की गई घटनाओं को कैद किया है लेकिन कैमरे की कलाकारी कहे आसिम का कमाल हर सीन वास्तविक लगता है एडिटर जीनित बाद ने फिल्म को दो घंटे चालीस मिनट के टाइम फ्रेम में समेट लिया है लेकिन इस वक्त में भी रोमांस बरकरार रहता है कपिल देव के किरदार में रणबीर सिंह ने कमाल का काम किया है उन्होंने अपने अभिनय की चमक से उन सभी कलाकारों को भी रोशन किया जिनको दर्शक कम जानते हैं कुल मिलाकर एट्टी थ्री एक बेहतरीन फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए दोस्तों मीडिया की दुनिया में कहा जाता है कि तीन सी लोगों का हमेशा ध्यान खींचते हैं ये है क्रिकेट सिनेमा और क्राइम निर्देशक कबीर खान की रणबीर सिंह स्टारर फिल्म एट्टी थ्री क्रिकेट और सिनेमा का एक जबरदस्त कम्बिनेशन लेकर आई है क्रिकेट पर यूँ तो कई बॉलीवुड फिल्में बनी हैं लेकिन एट्टी थ्री ने साबित कर दिया है कि इस जॉनर में अभी काफ़ी स्कोप है निर्देशक कबीर खान इससे पहले भी कई भावात्मक कहानी पर्दे पर, पर बयां कर चुके हैं लेकिन 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप देश में लाने वाली टीम की इस कहानी को बयां कर कबीर खान ने अपने ताज में एक और हीरा जोड़ लिया है अगर आप लंबे समय से सिनेमाघर में लौटने के लिए किसी अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो एट्टी पर आपकी खोज जरूर खत्म होगी यह कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के उन दौर की जब यह टीम सिर्फ हारने के लिए जानी जाती थी 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप के दौरान दुनिया तो छोड़ी खुद अपने देश के लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह टीम विश्व कप में कहीं खड़ी हो पाएगी उस दौर में तीन बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराकर क्रिकेट विश्व को भारत लाने का पहला कारनामा किया था कप्तान कपिल देव और उनकी टीम ने इस अंडर डार्क टीम के विश्व विजेता बनने की कहानी है सिनेमा का असली काम मनोरंजन करना होता है और ऐसी कोई फिल्म जिसकी कहानी आपको पता हो जिसका क्लाइमैक्स आपको पता हो उसमें सस्पेंस वाला फैक्टर नहीं होता ऐसे में ऐसी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है सब कुछ पता होने के बाद भी दर्शकों को कुर्सी पर चिपका कर रखना और निर्देशक कबीर खान की यह फिल्म यही कमाल बाखूबी कर रही है फिल्म में जबरदस्त इमोशन है जो आपको भी कभी दुख के तो कभी गर्व के आंसू महसूस करने पर मजबूर कर देंगे इस फिल्म में हीरो के तौर पर भले ही रणबीर सिंह हो लेकिन यह कहानी सिर्फ रणबीर सिंह की नहीं बल्कि उस पूरी टीम की है फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये ना तो सिर्फ क्रिकेट दिखाती है और ना ही सिर्फ इमोशनल ड्रामा पर फोकस करती है बल्कि इसमें सब कुछ बिल्कुल सटीक मात्रा में है कहीं भी डायलॉग के जरिए जीत के लिए मोटिवेशनल स्पीच या ओनली कैप्टन द इज हीरो जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है बीच बीच में कुछ सीन में असली मैच की क्लिपिंग भी दिखाई गई है जो आपको बार बार एहसास दिला देती है कि आप असल में नाइनटीन एटी थ्रा का विश्व कप मैच देख रहे हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेट कपिल देव के किरदार में नज़र आए हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेटर कपिल देव के किरदार में नज़र आए हैं लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही आप भूल जाएंगे कि आप रणवीर सिंह को पर्दे पर देख रहे हैं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रणवीर ने 83 में एक्टिंग का कितना ज़बरदस्त शॉट मारा है रणबीर ने कपिल देव की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका डिक्शन उनका स्टाइल सब कुछ अपने अंदर से मेट लिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वा इस दौर के सबसे बेहतरीन स्टार्स में से एक हैं लेकिन ये सब रणबीर ने सिर्फ अकेले ही नहीं किया है बल्कि उनकी टीम ने भी उनका पूरा साथ दिया है ताहिर राज भसीन साकििब सलीम चन् सारना जीवा एमी विक्र हाड़ी संधु जिस भी प्रेम में नजर आए हैं शानदार रहे हैं वही टीम मैनेजर पी आर मान सिंह बने पंकज त्रिपाठी फिल्म में शानदार रहे हैं उनका स्क्रीन पर होना ही आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा देविका पादकोट सेकेंड हाफ में एंट्री करती हैं लेकिन जिस भी सीन में वह नज़र आई हैं बेहद खूबसूरत लगी हैं फिल्म का संगीत इसकी गद को बढ़ाने में और भी सहयोग देता है यह कहानी बहुत कुछ दिखाती है और अगर आप भी मेरी तरह उनमें से एक हैं जिन्होंने नाइनटीन थ्री में भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी सिर्फ सुनी है और उसे जिया नहीं है ये यकीन मानिए कि फ़िल्म आपको फिर से ऊपर जीने का मौका देगी मेरी तरफ से इस फिल्म को चार स्टार की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू न्यूज एटीन हिंदी सिनेमा के मुख्य कार्य हैं दर्शकों का मनोरंजन करना और कोई सामाजिक संदेश देना यदि आप सिनेमा को सिर्फ इतिहास समझने या कोई महत्वपूर्ण सीख लेने के लिए देख रहे हैं तो आप गलत जगह हैं आपका रास्ता पुस्तकालय की ओर जाता है 1983 में जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप तब पूरे भारतवर्ष के लिए भारतीय इतिहास के कुछ गौरवशाली पलों में से एक था और कबीर खान के निर्देशन में आप उन पलों को फिर से जी सकते हैं क्रिकेट एक टीम गेम है और इस फिल्म की सफलता भी सिर्फ रणबीर और देविका की ना होकर इस फिल्म से जुड़ी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है फिल्म का पहला दृश्य आपको उस ऐतिहासिक दिन की झलक दिखाता है शुरुआत में आपका ध्यान फिल्म के कलाकारों को पहचानने की ओर ज़्यादा रहेगा फिल्म की कास्ट बेहतरीन है और कलाकारों की इस पूरी टीम में पहले से मशहूर लोकप्रिय खेल हस्तियों का चेहरा बन बड़े पर्दे पर उनकी परछाई के रूप में खुद को भी अमर कर दिया है मोहिंदर अमरनाथ नेता गुप्ता का फिल्म से जुड़ना ऐतिहासिक है तो रणबीर सिंह से लेकर एमी बिक्रम ने एट्टी थ्री से जुड़े हर शख्स का परफेक्ट चेहरा बना कबीर खान ने झंडे गाड़ दिए हैं मेकअप टीम के बिना यह सब असंभव था बड़े पर्दे पर रणबीर को कपिल देव जैसा लुक देना हो या दीपिका को हो बहु रेमी देव बना देना इस टीम का काम काबिले तारीफ रहा अभिनय पर बात कर ली जाए तो कपिल देव का व्यवहार रणबीर वैसा ही निभाते हैं जैसे कपिल हैं अभ्यास मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन इसकी बनगी भर है दीपिका के पास जितना अभिनय करने के लिए था उन्होंने अच्छा किया मानसिक बने पंकज त्रिपाठी गावस्कर बने ताहिर भसीन श्रीकांत बने जीवा संधु बने एमी बिक्रे सहित और अन्य सितारों ने अपना बेहतरीन अभिनय दिया है यशपाल शर्मा बने जनित सरना भी विशेष रूप से प्रभावित करते हैं फिल्म की कहानी वह सब दिखाती आगे बढ़ती है जैसे उस काल में क्रिकेट हुआ करता था फिर चाहे इंडीज क्रिकेट टीम के रुतबे को दिखाना हो या भारतीय टीम के लिए सुविधाओं का अभाव फिल्म में सुनील गावस्कर और कपिल के रिश्तों पर भी प्रकाश डाला गया है सचिन के सचिन बनने की शुरुआत भी यहाँ दिखती है इंटरवल के बाद फिल्म हर क्षेत्र में बेहतरीन बन जाती है फिर चाहे वह पटकथा के मामले में हो या संगीत के फिल्म की पटकथा खूबसूरती से यह एहसास कराती है कि अतीत के पन्नों को पर्दे पर उतार दिया गया है फिल्म में त्रुटियाँ खोजने पर भी नहीं मिलती वन खेड़े की टैक्सी वाले किस्से का अधूरा न छूटना इसका सबूत है रेडियो पर कमेंट्री सुनना टीवी एंटीना का हिलाना डेविड फ्रिथ का हिस्सा और बॉर्डर पर गोलीबारी सब कुछ ध्यान रख चुन चुन कर फिल्म में लाया गया है टीम बस में बैकग्राउंड पर बजता गाना हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए दर्शकों को उन्नीस तिरासी में ही लेकर चले जाता है फिल्म के अंतिम पलों में बैकग्राउंड संगीत ने तो कमाल ही कर दिया लहरा दो गीत चक दे वाला कमाल दोहरा सकता है फिल्म के कुछ दृश्य बेहतरीन है जैसे मार्शल वेंगसार का आमना सामना कपिल के शॉट पर ड्रेसिंग रूप का शीशा टूटने वाला दृश्य सिनेमाघर पर दर्शकों की सीटी भजवा देगा तो श्रीकांत का पार्टी में बोलना सबको भावुक कर देगा फिल्म के संवाद में अतीत के वो संवाद भी शामिल हैं जो मिसाल बन गए थे अब कुछ बेहतरीन संवाद जोड़ उस याद को दिल के और करीब पहुँचा दिया गया है जैसे कपिल का इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते कपिल का संधु को प्रोत्साहित करने वाला पूरा संवाद फिल्म खत्म होते होते भी कपिल की जुबानी कुछ किस्से सुना दर्शकों को उनकी सटीक से बांध दिया गया और यह साबित करता है कि 83 भारतीय फिल्म इतिहास के कुछ याद रखे जाने वाले फिल्मों के क्लब में शामिल हो चुकी है फिल्म एक महत्वपूर्ण कारण से परफेक्ट रेटिंग नहीं ले पाई वह है इसका विषय फिल्म सिर्फ उन दर्शकों के लिए है जिन्हें क्रिकेट से लगाव है या कभी रहा होगा फिल्म 83 का टीजर आ गया था इसका टीजर सामने आया तो इसे खूब पसंद किया गया इसमें एक गेंदबाज को दौड़ते हुए दिखाया गया और एक बल्लेबाज साठ मारता है इसके बाद रणबीर सिंह गेंद को कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं गेंद कैच होती है या नहीं इससे पहले टीजर खत्म हो जाता है इस टीजर को वाह वाहि तो खूब मिल रही थी पर क्या आपको पता है कि यह टीजर किस घटना का था आप जानते ही हैं कि यह फिल्म भारतीय टीम की 83 थ्री विश्व कप जीत पर बनी है रणबीर इसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं इस विश्व कप में कोई भी भारतीय टीम को खास अहमियत नहीं दे रहा था लेकिन आखिर में उसमें से दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हरा कर खिताब पर कब्जा किया था इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया क्रिकेट जन जन की पसंद बन गया भारतीय टीम पहली बार विश्व विजेता बनी और कितने ही लोगों ने इस खेल को अपनाने की सोची तो चलिए बात करते हैं इस टीजर की यह टीजर उस वास्तविक घटना को दिखा रहा है जब भारत और वेस्टइंडीज में लॉर्ड्स और मैदान पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था भारत में महज एक रन बनाए गए थे और जवाब में वेस्टइंडीज मजबूत नजर आ रही थी बीबीएन रिचर्ड ने 37 गेंद पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे वह अपनी पारी में सात चौके लगा चुके थे रिचर्ड ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी भारतीय कप्तान कपिल देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गेंदबाजी किसे सौंपे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका नतीजा इस टीचर में दिख रहा है मदन लाल तीन ओवर में इक्कीस रन दे चुके थे कपिल हाथ में गेंद पकड़कर खड़े थे और सोच रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए तभी मदन लाल आते हैं और उनके हाथ से गेंद लेकर चले जाते हैं कुछ समझने और कहने का वक्त नहीं मिलता मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड शार्ट खेलने की कोशिश करते हैं गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आती वह हवा में ऊंची जाती है कपिल को एक शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज होने के साथ साथ एक कमाल के फील्डर भी थे जो दौड़ लगानी शुरू की गेंद उनके कंधे के ऊपर से जा रही थी कपिल लगातार दौड़ रहे थे अब टीजर में तो नहीं दिखाया गया कि कैच हुआ या नहीं लेकिन असल में कैच हुआ था और शानदार कैच हुआ था इस कैच के बाद अजय समझे जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम पटरी से उतर गई एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने तीन तीन विकेट लिए वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 140 पर आउट हो गई लॉर्ड्स की बालकनी में कपिल प्रोड्यूसर कब थामे खड़े थे और यह तस्वीर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई लेकिन फाइनल में इसकी शुरुआत मदन लाल की उस गेंद रिचर्ड के उस शाट और कपिल देव के दे और कपिल देव के उस बाकमाल से कैच हुई थी पच्चीस जून उन्नीस की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है जब हर देशवासी का सिर गर्भ से ऊंचा था और आंखें नम थी बेहद कमज़ोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ को तैतालीस रन से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच की कप्तानी कपिल देव के कंधों पर थी उस दौर के लोग जानते हैं कि कैसे इन मुकाम को हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने न केवल पसीना बल्कि खून तक बहाया था निर्देशक कबीर खान ने इसी रोमांचक जीत की कहानी को पर्दे पर उतारने का काम किया है और यह कहने में गुरेज नहीं कि कबीर खान इन काम में कामयाब हो गए हैं जब दर्शक देखते हैं कि वर्ल्ड कप की जीत में खून का कतरा तक बहा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं रणबीर सिंह और दीविका पातकोड़ स्टारर फिल्म एट्टी थ्री रिलीज होने वाली थी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित इस मूवी को लेकर दर्शकों में अभी से बेकरारी नज़र आ रही थी इस फिल्म में साल 1983 में भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की और क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतने के सुनहरे पल को दिखाया गया है फिल्म 83 थ्री रणबीर सिंह और दीपिका पादकोड की शादी के बाद पहली ऑन स्क्रीन मूवी होगी जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आए हैं जबकि दीपिका पातकोड़ उनकी पत्नी रोमी भाटिया के रोल में हैं कबीर खान के निर्देशन में बनी एटी थ्री में रणवीर सिंह और दीपिका पादकौड़ के अलावा पंकज त्रिपाठी अम्मी विक्र साब सलीम हाड़ी संधू बोमन ईरानी साहिल खट्टर अमृतापुरी ताहिर राज भसीन और निशान दहिया भारतीय क्रिकेट टीम के अन्य सदस्य और मैनेजर की भूमिका में हैं फिल्म एट्टी थ्री इसलिए खास है क्योंकि इसमें देशभक्ति है इसमें क्रिकेट है इसमें भावनाओं का जुड़ाव है 1983 की टीम वास्तव में भारत भर की क्रिकेट प्रतिभाओं का एक सम्मेलन थी जो आखिरी गेंद तक लड़ना चाहती थी विश्व कप जीतने के लिए कुछ ऐसा करो जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं किया गया लोग उस इतिहास को फिर से देखना चाहते हैं जो प्रतिनिष्ठ कप्तान कपिल देव द्वारा बनाया गया था जब भारत में 1983 में इंग्लैंड में विश्व कप फाइनल में शक्तिशाली बैंडिडीज को हराया था अगर आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप कई ऐसे इमोशनल मोड़ आएंगे जो आपकी आंखें नम कर देंगे ऐसी घटनाएं हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं जो स्ट्रांग पॉइंट हैं उनमें से एक है रिसर्च ऐसा लगता है कि हर मैच को बार बार देखा गया है और हर सीन को फिल्माने से पहले मैच के वीडियोज़ देखे गए हैं वही हर किरदार में कलाकार जिस तरह ढले हैं उससे साफ जाहिर है क्रिएटिव टीम ने जबरदस्त होमवर्क किया है सीन ऐसे रचे गए हैं कि सभी 11 प्लेयर्स को पूरी अहमियत मिली है फारूक इंजीनियर के रोल में बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में पंकज त्रिपाठी गावस्कर के रोल में ताहिर भसीन श्रीकांत के रोल में तमिल एक्ट जेबा महेंद्र अमरनाथ के रोल में साकििब सलीम यशपाल के रोल में जनिस सारना मदन लाल के रोल में हाडी संधु बलविंदर संधू के रोल में एमी विक्रम ने अपना सौ प्रतिशत दिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि उनका कोई तोड़ नहीं है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की वो पारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था भारतीय टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह के रोल में पंकज त्रिपाठी छा गए हैं पंकज त्रिपाठी का हैदराबादी एक्सेंट जबरदस्त है यह फिल्म उस वक्त के खिलाड़ियों की, की तबीयत उनकी मशखरी उनके इमोशनल एंगल उनके संघर्षों की कहानियाँ दिखाती है यह फिल्म बताती है कि किन परिस्थितियों में और संसाधनों के अभाव में कैसे भारतीय टीम ने वो करिश्मा किया था जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी 83 थ्री वह फिल्म है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए 1983 से पहले पैदा हुए लोगों की यादें ताज़ा होंगी तो इसके बाद पैदा हुए लोग भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम विजय को साक्षी बन सकेंगे फिल्म के गाने जोश भरने का काम करते हैं दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर देवता डायरेक्टर कबीर खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो उन्नीस की विश्व कप जीत को फिल्मी पर्दे पर कैसे दिखाते हैं सिर्फ कबीर खान ही नहीं रणबीर सिंह के लिए भी कपिल देव की भूमिका निभाना कितना कठिन रहा होगा और वो इसे दर्शकों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए ये तो आपको फिल्म देखकर पता ही चल जाएगा ये तो आपको फिल्म देखकर पता चल ही जाएगा फिलहाल इसकी छोटी मोटी कहानी और किरदारों के बारे में हम आपको कुछ जरूरी चीज़ें बताना चाहते हैं फिल्म का प्लाट प्लाट लाइन को देखें तो फिल्म तिरासी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है यह एक ऐसी फिल्म है जो उन्नीस के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के इतिहास की कहानी बयां करती है वैसे तो इसके इतिहास पर कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन फिल्म को आकर्षक और देखने लायक जो चीज़ें इसमें बनती हैं वो हैं इसके किरदार और खिलाड़ियों के जीवन की छोटी छोटी कहानियाँ टीम इंडिया के लिए यह जीत वाकई अभी थी क्योंकि लार्डेस में टीम को एंट्री की इजाजत तक नहीं थी और टीम की भारत वापसी की टिकटें सेमीफाइनल से पहले ही बुक हो चुकी थी अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो फिल्म कई हिस्सों में से आपको इमोशनल भी करेगी जहां आप आंसू रोक नहीं पाएंगे 38 साल पुरानी जीत को कर सकेंगे महसूस पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाए गए कोच पीआर आर मान सिंह के साथ कपिल का, का मजाक हो या सुनील गवस्कर यानी ताहिर राज भसीन के साथ उनके तनावपूर्ण क्षण हर एक दृश्य आपको वापस उन्हीं क्षणों में ले जाएगा जिस दौरान भारतीय टीम इसे जी रही थी फिल्म देखने के दौरान आपको एहसास होगा कि आप इस जीत को 38 साल बाद सिनेमाघरों में एक कहानी के जरिए फिर से महसूस कर रहे हैं कैसी है कास्टिंग फिल्म का सबसे मुश्किल किस्सा बेशक इसकी एक्टिंग रही होगी कपिल देव के किरदार में नज़र आए रणवीर सिंह अपने किरदार में पूरी तरह से खोए नज़र आए हैं अगर इस फिल्म को पूरी तरह से उनकी फिल्म कहा जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है फारूक इंजीनियर के रोल में नज़र आए बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में नज़र आए पंकज त्रिपाठी और गावस्कर के रोल में ताहिर भसीन यशपाल के रोल में जनित सरना मदन लाल के रोल में हारदी संधु और बलविंदर संधू के रोल में एमी बिक्र काफ़ी सही चॉइस थी हालांकि कपिल देव की पत्नी के किरदार में नजर आई देविका पाथोड़ कुछ खास अच्छी नहीं लगी दीपिका का रोल फिल्म में बस हीरोइन की रस्म अदायगी करने के लिए रखा गया था कुल मिलाकर फिल्म उन लोगों के लिए उन खट्टे मीठे और सुखद पलों का एक जरिया है जो उन्नीस में मौजूद तो नहीं थे लेकिन आप फिल्म देखकर उस पल को महसूस जरूर कर सकते हैं फिल्म आपको हंसाने के साथ कुछ मोमेंट पर रुलाएगी भी और हो सकता है आपका क्रिकेट प्रेम भी जाग जाए अड़तीस साल पुरानी जीत की खुशी को पर्दे पर देखने का जो सुकून था वो शायद आपको शब्दों में बता पाऊँ सन उन्नीस के विश्व कप क्रिकेट में हिस्सा लेने गई भारतीय टीम के कप्तान कपिल दो को छोड़ दिया जाए तो टीम के अन्य खिलाड़ियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कप उठाएंगे कोई खिलाड़ी सर सपाटे पर गया था तो कोई हनी मनाने आखिरकार कपिल का विश्वास रंग लाया और भारतीय टीम चैंपियन बनी उस पत्रकार को अखबार खाना पड़ा जिसने लिखा था कि यद टीम इंडिया विजेता बनी तो वह अपने शब्द वापस लेगा इस जीत ने भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी भारतीय क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 83 के पहले और 83 के बाद का अध्याय होगा इस जीत से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और आज करोड़ों भारतीयों की रगों में क्रिकेट बहता है उन्नीस में टीम किस तरह से चैंपियन बनी उस स्वर्णिम यात्रा को निर्देशक कबीर खान ने एट्टी में स्क्रीन पर उतारा है जिन लोगों ने 1983 में टीम को विश्व कप जीतते देखा है उन्हें इस फिल्म के जरिए दोबारा लम्हों को जीने का अवसर मिलेगा और जिन्होंने बड़ों से किस्से सुन रखे हैं उन्हें यह देखने को मिलेगा फिल्म शुरू होती है एट्टी फाइनल के उस ऐतिहासिक कैच से जो कपिल देव ने पच्चीस गज पीछे की ओर भागते हुए पकड़ा था जिसने भारत की जीत लगभग तय कर दी थी यह पहला सीन ही दर्शकों को जगड़ देता है और वह आगे के लम्हे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके बाद सीन दर सीन आते जाते हैं आप रोमांचित होते हैं गर्भ से सीना फूल जाता है मनोरंजन होता है ठहाके लगते हैं तो कई बार आंखें नम हो जाती हैं 1983 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के निमंत्रण मिलने से लेकर कप जीतने तक की गाथा को फिल्म में दर्शाया गया है यह फिल्म उस जीत का सेलिब्रेशन है युवा वर्ग को फिल्म देखते समय आश्चर्य हो सकता है कि आज अरबों रुपये कमाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के क्या हाल थे कमाई कम होने के कारण बलविंदर संधू की सगाई टूट गई थी पैसे बचाने के लिए कप्तान कपिल देव खुद कपड़े धोते थे सुनील गावस्कर को घर चलाने के लिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ती थी फिल्म में विश्व कप के वो तमाम मैच दिखाए गए हैं जिन्हें खेलते हुए भारत विजेता बना खिलाड़ियों की आपसी नोकझोंक तो मनोरंजन ही है प्रेम ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जाती है और दर्शाती है कि किस तरह से खिलाड़ियों ने खुद को मैच दर मैच तैयार किया यकीन हासिल किया और फिर कमाल कर दिखाया कपिल देव के दृढ़ को 83 उभारती है एक ऐसा शख्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता था जिसका अंग्रेजी में हाथ तंग था टीम के खिलाड़ी कपिल की अंग्रेजी पर हंसते थे पत्रकार मजाक बनाते थे उनकी टीम की हंसी उड़ाई जाती थी लेकिन वह इरादों का पक्का था इन बातों का जवाब वह अपने खेल से देना जानता था फिल्म में यू तो कई रोमांचक क्षण हैं जो आपको अंदर बैठे क्रिकेट प्रेमी आनंदित करते हैं लेकिन कपिल देव की जिम्बाब्वे के खिलाफ एक रनों की पारी हिला देती है सत्रह रनों के अंदर पाँच विकेट गिराने के बाद कपिल ने एक रन बना डाले और टीम को जिता दिया यही वो डाइनिंग थी जिसने टीम के खिलाड़ियों के अंदर विश्वास पैदा किया कि यदि कप्तान जान लगा रहा है तो हमें भी कुछ कर दिखाना चाहिए यह वो इनिंग थी जिसने देशों की सीमाएं तोड़ दी थी हर क्रिकेट प्रेमी ने इसकी तारीफ की इस इनिंग ने भारत में लाखों युवाओं को कपिल बनने के लिए प्रेरित किया इस डाइनिंग के बाद जब कपिल पैवेलियन लौटते हैं तो गावस्कर मैदान में पानी का गिलास लिए उनकी ओर भागते हैं ये कमाल का सीन है जो इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की बॉन्डिंग को दिखाता है फिल्म में ऐसे कई प्रसंग हैं जो दिल को छूते हैं खिलाड़ियों का मुफ्त का खाना ढूंढना हाई कमीशन की पार्टी में श्रीकांत का कपिल की तारीफ करना बस में टीम मीटिंग और बैकग्राउंड में प्ले होता है एक दूसरे के लिए का गाना आई डोंट टू नो हार्ट यू से इन इंद्रश्यों को देखकर दर्शकों के अंदर भावनाएं उमड़ने लगती हैं कबीर खान एंड टीम के लिए यह फिल्म बनाना आसान नहीं रहा होगा सभी एक्टर हैं और उन्हें दिग्गज खिलाड़ी की तरह खेलते हुए दिखाने के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है भारत के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी उनकी तरह दिखने वाले एक्टर जुटाए गए हैं रियल लोकेशन पर शूटिंग की गई चाहे वो लार्ड्स की बालकनी हो या ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों के चमत्कारिक लम्हों को हु बहू कापी किया गया है चाहे वो कपिल के नटराज मुद्रा में लगाए गए शार्ट्स हों या दिलीप गोवस्कर को मार्शल का बाउंसर चेहरे पर लगा हो निर्देशक के रूप में कबीर खान प्रभावित करते हैं उन्हें उन दर्शकों का भी ध्यान रखना था जो क्रिकेट ज़्यादा समझते नहीं हैं इसलिए मैच के बीच में उन्होंने मनोरंजक लम्हे रखे हैं उनसे एक शिकायत इस बात की रहती है कि उन्होंने फिल्म को इस तरह बनाया है मानो हर दर्शक उस दौर के क्रिकेट से परिचित हो उस विश्व कप का क्या फॉर्मेट था कितने ओवर के मैचेस थे इस तरह की बातों को आसानी से समझाया जाता तो फिल्म की पहुंच बढ़ती दर्शकों से यह फिल्म अपेक्षा करती है कि उन्हें थोड़ा क्रिकेट का ज्ञान भी हो यदि आप लाला अमरनाथ वनखेड़े विच रिचर्ड फारूक इंजीनियर जैसे नामों से परिचित हों तो आपको फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे भी इस फिल्म के लिए आपका क्रिकेट प्रेमी होना ज़रूरी है फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है क्रिकेट के दृश्य देखने में उमदा लगते हैं कहीं भी देख ये नहीं लगता कि एक्टिंग हो रही है सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म का मजबूत पक्ष है फिल्म में दो तीन गाने हैं जिनके बोल अर्थपूर्ण हैं और यह कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं एट्टी थ्री रणबीर सिंह के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाएगी कहीं रणबीर सिंह नजर आता है कहीं कपिल देव ही नज़र आते हैं कपिल को पूरी तरह से उन्होंने अपने में आत्मसात कर लिया है कपिल के बोलने की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर पर्दे पर उतारा है उनके लुक पर जो मेहनत की गई है वो काबिल तारीफ है मान सिंह एक ऐसा मैनेजर है जो पैसे से लेकर खिलाड़ियों के रिश्ते तक को मैनेज करता है की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने शानदार एक्टिंग की है देव का पादकोड़ का रोल छोटा है लेकिन वह फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं सपोर्टिंग कास्ट का काम भी शानदार है सभी खिलाड़ियों जैसे लगे हैं और उन्हीं की तरह एक्ट किया है फिल्म 83 थ्री हरियाणा हरकेन कपिल देव और उनकी जावास टीम की विजय गाथा है जिनके कारनामे में क्रिकेट की दशा और दिशा बदल डाली भारत क्रिकेट की शक्ति के रूप में उभरा यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो इस फिल्म को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता मैं क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं इसलिए कई बार जब भी क्रिकेट को लेकर बात होती है तो मुझसे एक बात कही जाती है कि तुम्हें नहीं समझ आएगा हाँ ये सही बात है कि क्रिकेट के दाव पे मुझे समझ नहीं आते लेकिन जो एक बात समझ आती है वो ये है कि जब बात देश की होती है तो कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं होती दिलों में अपने आप एक जोश भर जाता है ऐसा ही जोश भरती है हर देशवासी के दिल में कबीर खान की फ़िल्म एट्टी थ्री अगर कहा जाए कि खून का कतरा बहा है तब जाके वर्ल्ड कप देश में आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये जब आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भले ही 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप के, के गवाह ना बन सके हों लेकिन फिल्म 83 के जरिए कबीर खान ने हमें वो मौका दिया है कि हम उस लम्हे को सिल्वर स्क्रीन के जरिए जी सकें अब इसमें कबीर खान कितना कामयाब हुए हैं ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा 83 फिल्म की कहानी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का जिम्मा युवा खिलाड़ी कपिल देव को सौंपा गया जिन्होंने एक ऐसी टीम का नेतृत्व किया जिसे पहले अंडर यानी कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप जिसे क्षमता नहीं होती के रूप में देखा गया और फिर इसी टीम ने साल उन्नीस में देश का पहला विश्व कप खिताब जीता कबीर खान की एट्टी थ्री विश्व कप जीतने वाली इस टीम यात्रा को सहमत करती है जिसने देश को विश्वास कराना और मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाया फिल्म की कहानी ऐसी है जो 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट को जीत का इतिहास रचते हुए दर्शाती है विश्व कप के ग्रैंड फाइनल के प्रोग्राम किताबों में लिखे गए हैं लेकिन विश्व कप की यात्रा के दौरान की गई कहानी और किस्सों को कबीर खान ने अपनी इस फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है इसमें दो राय नहीं है कि सिने प्रेमियों के साथ साथ ये फिल्म क्रिकेट प्रेमियों को भी पसंद आने वाली है फिल्म के पहले कुछ मिनट में फिल्म के किरदारों से परिचित कराया जाता है वो भी पासपोर्ट सिक्वेंस का इस्तेमाल करके इस दौरान डायलॉग्स और बातचीत भी सुनाई पड़ती है जिसमें कहा जा रहा होता है कि भारतीयों को विश्वास नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा इस क्षण आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि ये फिल्म सिर्फ 1983 में जीते गए विश्व कप की यादों को ही ताजा नहीं करती बल्कि ये फिल्म सम्मान पाने को लेकर भी है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप उसमें खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं अगर आप एटी थ्री के बाद पैदा हुए हैं तो एक बार को शायद ये एहसास भी हो सकता है कि जब विश्व कप जीता गया तो उस वक्त आप उस लम्हे के गवाह बनने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे मुझे तो यही एहसास हुआ फिल्म के हर एक सीन में इमोशन है एक बात है जो दिल को छूती है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की व्यापारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था इसके अलावा एक वो सीन जब संदीप पाटिल और कपिल देव बैटिंग कर रहे होते हैं तो दर्शक मैदान पर दौड़े चले आते हैं एक सीन और रियल दिखाया गया है जब दिलीप चोटिल होते हैं और उनका खून बहता है इस तरह के कई रियल सीन हैं जिन्हें बीच बीच में कबीर ने अपनी इस फिल्म में दिखाया है कबीर खान ने इमोशन के जरिए हर खिलाड़ी में रंग भरे हैं जो उन्हें एक अलग टीम बनाती है हम शायद ही ये सोच सकते हैं कि कृष्णा मचारी श्रीकांत जो क्रिक भी कर सकते हैं इसकी तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने एक्सेंट से जो फिल्म में हुमर डाला है वो कमाल का है यशपाल शर्मा और फिर सरना एम एमी उर्व बलविंदर संधु और मदन लाल के रूप में हाड़ी संधु इन सभी ने फिल्म में एक अलग ही जान डाली है सीरियस टाइम पर भी इन लोगों का बात करने का स्टाइल एट्टी थ्री को बेहद आकर्षक और देखने योग्य बनाता है इसके अलावा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ यानी साकिब सलीन के बीच एक सीन है जिसमें दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को लुक्स देते हैं उसमें फिर वही भी बोलकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोनों लुक्स देख कर ही एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं यही फिल्म की शार्प और टाइट स्क्रीन प्ले की ताकत भी है फिल्म में आपको रियल कपिल देव और महिंद्र अमरनाथ की झलक भी देखने को मिलेगी महिंद्र अमरनाथ ने फिल्म में अपने पिता लाला अमरनाथ की भूमिका निभाई है इस फिल्म की सबसे अच्छी खासियत है कि यह फिल्म किसी एक कलाकार को अहमियत देते हुए आगे नहीं बढ़ती फिल्म का हर एक किरदार इस फिल्म की जान है फिर वो छोटे से छोटा रोल निभाने वाली ऑडियंस मैंने सपोर्टिंग एक्टर से क्यों ना हो फिल्म के कुछ सीन काफ़ी कमाल के हैं जैसे एक जगह पर वेस्ट इंडीज़ के एक गेंदबाज की गेंद से दिलीप चोटिल हो जाते हैं तब पूरी भारतीय टीम आक्रोशित हो उठती है संदीप पाटिल हाथ में चोट खाने के बावजूद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और महिंद्र अमरनाथ भी अपना पूरा दमखम दिखा देते हैं इसके अलावा फ़िल्म के कई डायलॉग्स भी अच्छे हैं जैसे मैच को लेकर एक जगह पर कपिल देव और रणबीर सिंह भारतीय टीम के मैनेजर पीआर आर मान सिंह और पंकज त्रिपाठी से बात कर रहे होते हैं तो मान सिंह उन्हें समझाते हैं कि इतना ठीक नहीं है तब कपिल कहते हैं इतना उतना करने नहीं आया मैं यहाँ पर इस सीन में वह अपनी टीम से कहते हैं ठीक ठाक खेलने से नहीं चलेगा अब अवकाश से खेलना होगा सबको वही एक सीन में कुछ अखबार भारतीय टीम की आलोचना में कुछ लिख देते हैं जिसमें हर टीम के लोग कुछ कपिल देव से जवाब देने को कहते हैं तब कपिल उनसे कहते हैं कि हमारी क्रिकेट को हमारा जवाब देना होगा वही अभिनय की बात करें तो हर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय करता हुआ दिखा है हर किसी ने अपने किरदार को बखूबी जिया है जिसका नतीजा यही है कि यह फिल्म को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है फिल्म में सबसे अच्छे लगे हैं पंकज त्रिपाठी जिनका हैदराबादी एक्शन जबरदस्त है वहीं कई जगहों पर रणवीर सिंह ने आपके कपिल देव की झलक देखने को मिल जाएगी इसके अलावा हर कलाकार बेहतरीन रहा है फिल्म के गाने दर्शकों में और जोश भरते हैं अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह खिलाड़ियों के बैग लेने पहुंचते हैं जहां दफ्तर के कुछ कर्मचारी उनके साथ मजाक करते हैं यह मजाक युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया के साल उन्नीस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने वहाँ हारने और फिर वापसी आने तक के तंज को अपने अंदर समेटे हुआ था प्यार मानसिक जवाब में जीत कर आने की बात कहते हैं फिल्म निर्देशक कबीर सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म तिरासी इसी तंज और जीत कर आने की जिद की कहानी को अपने अंदर लिए हुए है जो पर्दे पर पर्द दिख रही है साल उन्नीस का वर्ल्ड कप हर किसी को याद है जो तब थे उन्हें भी और जो पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी क्योंकि आज़ादी के बाद दुनिया में खेल के मैदान पर भारत को जो ऊंचा सिर हासिल करने की जगह मिलनी थी वो इसी वर्ल्ड कप जीत के बाद मिल पाई क्योंकि दूसरी तरफ ओलंपिक में भारतीय हॉकी का जलवा अब खत्म होने लगा था अड़तीस साल पहले जो हो चुका उसके ऊपर न जाने कितने हजारों शब्द लिखे जा चुके हैं कबीर खान ने उसे एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है डायरेक्टर या लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इतनी बड़ी चीज़ को दो ढाई घंटे की फिल्म में किस तरह उतारा जाए क्योंकि हर मिनट में आपको एक किस्सा दिखाई पड़ना है टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर वर्ल्ड कप जीत लाने तक हर एक पल में एक कहानी है टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव से लेकर मैनेजर पी आर मान सिंह के पास अपना एक अनुभव है रणवीर सिंह की इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया है मुंबई के एयरपोर्ट पर रवानगी से लेकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक कबीर खान ने फिल्म नहीं पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है जिसमें अदाकारों को फिट किया गया है हालांकि जिस चीज़ को पर्दे पर उतार रहे हैं वो इतना आसान नहीं था क्योंकि नई पीढ़ी के सामने 38 साल पुरानी यादें ताज़ा करनी थी फिल्म थिएटर को स्टेडियम में बदलना था डायरेक्टर से आगे कलाकारों की बात करें तो रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार में पूरी तरह से जान फूकने का काम किया है रणबीर सिंह फिल्मी हीरो हैं और कपिल देव मैदान के सबसे बड़े हीरो थे कपिल देव के बात करते हुए वीडियो वी अगर आप यूट्यूब पर देखने जाएंगे तो रणवीर सिंह की तारीफ बिल्कुल होगी बॉलिंग एक्शन क्रिकेट सात की तुलना हो सकती है लेकिन सबसे बेस्ट आपका तब सामने आता है जब आप सबसे बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ पाए गर्दन का झुकाना शरमाते हुए बोलना अंग्रेजी को लेकर दिक्कत और उसमें आने वाले पंच रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाला है रणबीर सिंह के बाद सबसे बेहतरीन काम एक फिर पंकज त्रिपाठी का ही है पी आर मान सिंह इस फिल्म और टीम के खिलाड़ियों के बीच वो धागा है जिसने क्रिकेट के मैदान और ड्रेसिंग रूम की दूरी को कम किया है पंकज त्रिपाठी की टाइमिंग गर्दन हिलाना और आंखों ने एक बार फिर जादू किया फिल्म और वर्ल्ड कप में पी आर मान सिंह का किरदार कितना जरूरी है वो इसी से समझा जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत और आखिर दोनों पी आर मान सिंह यानी पंकज त्रिपाठी से हो रही है फिल्म के बाकी खिलाड़ियों का किरदार निभाने के मामले में सबसे ज़्यादा ब सलीम उर्फ मोहिंदर अमरनाथ जनित सरना उर्फ यशपाल शर्मा जैसे स्टार्स को आगे रखा गया है साकिब सलीम अपने अंदर पंजाबी बोली लाने में हल्का सा पीछे रह जाते हैं लेकिन जनित सरना ने वो काम बखूबी किया है खिलाड़ियों में एमी विक्र ने बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभाया है लेकिन वो क्रिकेट फील्ड पर संधू को उतना निभा नहीं पाए हालांकि फील्ड के बाहर सबसे बेहतरीन कॉमिक पंच उनके पास ही हैं फिल्म में कपिल देव की वाइफ का किरदार देविका पादुकोण ने निभाया है जो असल में रणबीर सिंह की वाइफ है देविका का किरदार काफ़ी छोटा है लेकिन जितने देर भी वह पर्दे पर होती हैं वो पूरा फिल्म ही है यानी उसे सिर्फ शामिल किया गया है ताकि फिल्म में हीरोइन की रस्म अदायगी कर जाए और कपिल देव की रियल लाइफ फैमिली की वैल्यू को वर्ल्ड कप से जोड़ा जाए खैर यह एक फिल्म है जो क्रिकेट इवेंट को लेकर बनी है ऐसे में फिल्म में भी क्रिकेट पूरी तरह हावी रहता है और उसे देखने वाले के लिए भी वही सबसे बड़ा बानस भी है लेकिन जैसा कि पहले कहा है कि कबीर खान अपनी कुछ घंटों की फिल्म में काफ़ी कुछ बता देना चाहते थे क्योंकि बताने को काफ़ी कुछ है भी तो उन्होंने हर चीज़ को मिक्स करने की कोशिश की है क्रिकेटिंग शाट रील और रियल फुटेज का बेहतरीन इस्तेमाल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खासकर बिवियन रिचर्ड का स्वैग दिखाने में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी जो क्रिकेट फैन को तसल्ली भी देता है इसके अलावा अंग्रेजी अखबारों का लिखना कपिल गावस्कर के ताना तनी बीबीसी की हड़ताल समेत कई चीज़ों का शामिल किया गया है साल उन्नीस में मैं पैदा नहीं हुआ था फिल्म देखने वाली युवा पीढ़ी भी उसी लिस्ट में शामिल होगी ऐसे में थिएटर में इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस शानदार है क्योंकि यहाँ सब कुछ है क्रिकेट बॉलीवुड और देशभक्ति जिसका मसाला जब पर्दे पर उतरता है तो आपको हंसाता भी है और रुलाता भी है फिल्म देखते वक्त आपका क्रिकेट फैन आपके चरम पर होगा तब आप अदाकारी शॉर्ट कट सीन से अलग हटते हैं लेकिन यह एक फिल्म ही है लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त मेरी आंखें नम थी चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है आंखों की नमी को दुनिया ने देखा है लेकिन चेहरे की मुस्कान सिर्फ मेरी थी मेरा मास्क मेरी हंसी को छिपा रहा था उस हंसी में अड़तीस साल पुरानी जीत को पर्दे पर देख पाने का सुकून था जो क्रिकेट के फैन के लिए काफ़ी था बीते दो साल कोरोना से लड़कर गुजारने वाली तीन पीढ़ियों में से एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने रेडियो के आसपास झुंड बनाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है राह चलते पान की दुकान पर रुककर स्कोर पूछा है क्रिकेट को दीवानों की तरह देखा जाता है और फिर जब मुंबई के बोबार्न स्टेडियम में विश्व विजेता क्रिकेट टीम के स्वागत में हुए कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने भारत विश्व विजेता गाया तो उनके कैसेट खरीद उसे सालों सुना गया ये वह पीढ़ी थी जिसने अपनी किशोरावस्था में ना मोबाइल देखा था न सोशल मीडिया और ना इंटरनेट और ना ही न्यूज चैनल तब समाचार मतलब आकाशवाड़ी या अखबार टेलीविजन मतलब दूरदर्शन और एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए भी ट्रंक कॉल की बुकिंग करानी होती थी फिल्म तिरासी उस दौर की कहानी है जब भारत भी क्रिकेट बस खेलता था जितना उसकी आदत में ही शुमार नहीं था क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों ने उन्नीस तिरासी वर्ल्ड कप जाने का प्लान भी इस तरह से बनाया था कि वापसी की टिकटें फाइनल से पहले ही बुक करा रखी थी और कुछ तो यही से अमेरिका घूमने की तैयारी में निकले थे फिल्म तिरासी क्रिकेट की अनिश्चितताओं की जीत है लेकिन उन्नीस तिरासी में इस देश में बहुत कुछ हुआ विदेश में कैटरीना कैब भी हालांकि इसी साल जन्मी उनकी शादी हाल ही में बिकी कैसल से हुई लेकिन ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति रहते और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते इस देश का वह दौर भी आसान नहीं था और फिर उस कपिल देव की टीम ने क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया जिसे हरियाणा से मुंबई जाने पर फास्ट बॉलिंग करने पर सिर्फ दो रोटियाँ मिलती थी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में तारापोर सेवा भिड़े थे दिन की चार रोटियां अपने लिए करवाई और फिर जब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुने जाने की बारी आई तो रोजर बिन्नी और बलविंदर संधू के लिए सिलेक्टर से लड़कर जगह बनाई उस टीम में सुनील गावस्कर भी थे फिल्म तिरासी क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी पर बहुत शांत लेकिन ऐतिहासिक टिप्पणी है फिल्म देखकर पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या गवस्कर ने पूरी कोशिश की थी कि भारतीय टीम उन्नीस का वर्ल्ड कप ना जीते फिल्म तिरासी क्रिकेट के एहसासों की जीत है निर्देशक कबीर खान ने यह फिल्म वहां से शुरू की है जहां क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास वर्ल्ड कप खेलने का न्योता आता है और ख़त्म वहां की है जिसके बारे में पूरा देश और दुनिया के किसी भी कोने में बसा क्रिकेट प्रेमी भारतीय जानता है जिस कहानी का आदि और अंत पता हो उसके बीच के किस्से ही दर्शक का ध्यान बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं और फिल्म तिरासी यही करती है ये कपिल देव और टीम के तब के मैनेजर मान सिंह के नज़रिए से एक विजय यात्रा की कहानी है यह यात्रा तिरस्कार अपमान असहयोग और असहमति की यात्रा है और ये यात्रा आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता उदाहरण को सबक सिखाने और हर हाल में हिम्मत न हारने की भी कहानी है यह उस पागल इंसान की कहानी है जिसने पहले दिन से ठान रखा था कि वह इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने पहुंचा है फिल्म तिरासी इसकी लेखन टीम की जीत है कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान और वासना बला ने फिल्म मेहनत मशक्कत करके किसी तरह लिख भी ली होगी लेकिन इसे बनाना उससे मुश्किल काम रहा होगा और इसके लिए दो लोगों की खास तारीफ मैं यहाँ करना चाहूँगा एक निर्देशक कबीर खान और दूसरे इस कहानी के लिए कलाकार तलाशने वाले मुकेश छाबड़ा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ी तलाशने से लेकर विदेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों तक जिस तरह से मुकेश ने एक पारखी की तरह एक्टिंग की है उनके लिए वह इनाम के हकदार हैं और कबीर खान की तारीफ यहाँ करनी है उनके निर्देश की कौशल के लिए पर्दे पर जो कुछ भी खिलाड़ियों के आसपास या पीछे दिखता है उसका एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर पर तैयार किया गया है फिल्म की अधिकतर शूटिंग भारत में ही हुई है लेकिन कहीं से लगता नहीं कि जो कुछ हो रहा है वह वहाँ नहीं हो रहा जहाँ उन्नीस तिरासी में असल में हुआ था फिल्म तिरासी इसकी कास्टिंग की जीत है और फिल्म तिरासी की कास्टिंग का नगीना है रणबीर सिंह रूप रंग तो खैर उन्होंने कपिल देव जैसा अपनाया ही है और इसके लिए उनका मेकअप और हेयर करने वालों को सौ में से सौ नंबर मिलने चाहिए लेकिन रणबीर सिंह को सौ में से दो सौ नंबर देने का मन करता है उनकी अदाकारी देखकर वह वाकई हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर वन कहलाने लायक हैं बोलने का लहजा चलने का लहजा सब ठीक है लेकिन बॉलिंग करते समय सीम पर वैसी ही ग्रिप और दौड़ शुरू करते समय ठीक वैसी ही मुद्रा में दोनों हाथ रखना कमाल ही है पूरी फिल्म में आपको कहीं भी रणबीर सिंह नहीं दिखता जो पर्दे पर है वह कपिल देव ही है और रणबीर सिंह की इस अदाकारी को बल मिलता है जनी सारना साकििब सलीम जीवा एमी वेर्ब और हाड़ी संधू की कलाकारी से जनी सारना ने फिल्म में यशपाल शर्मा का वाकई बेहद खूबसूरत किरदार निभाया है फिल्म तिरासी इसकी कलाकारी की जीत है फिल्म तिरासी इसकी पोस्ट प्रोडक्शन टीम की भी जीत है हिंदी में बनी कम ही ऐसी फिल्में होंगी जिसमें असल फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में आकर पाती हैं ये फिल्म वैसी ही है अगर फिल्म वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी मिलने वाले दृश्य के बाद चलने वाली एंड कास्टिंग आप पूरी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कितने लोगों का पसीना बहा है फिल्म को आखिर तक देखिएगा भी ये वो लम्हे हैं जब वर्ल्ड कप के समय के ब्लैक एंड वाइट चित्र चित्रपर्दे पर चल रहे होते हैं कपिल देव बता रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वाली रात उन लोगों ने कैसे बेहिसाब सैम्पियन बहाई

विराट ने फिल्म को देखने के बाद कहा है कि यह फिल्म आपको वर्ल्ड कप उन्नीस के उन यादगार लम्हों में डुबा देगी कोहली ने एक ट्वीट के जरिए इस फिल्म की तारीफें की है उन्होंने लिखा है भारतीय क्रिकेट इतिहास के इस यादगार पलों को इतने बेहतर तरीके से दोबारा नहीं जी सकता था यह एक बेहद ही शानदार फिल्म है जो आपको उन्नीस वर्ल्ड कप और उनसे जुड़ी भावनाओं में डुबा देती है सभी कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है विराट कोहली ने अपने एक और ट्विटर में रणवीर सिंह की तारीफ की उन्होंने लिखा रणबीर सिंह का एक अलग ही लेवल देखने को मिला है सभी ने अच्छा काम किया है विराट कोहली ने इस पोस्ट में उन्नीस के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान को भी टैग किया है उन्नीस वर्ल्ड कप की कहानी पर बनी इस फिल्म में कपिल देव की भूमिका रणबीर सिंह ने निभाई है दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आ रही है इस फिल्म में कपिल देव की वह ऐतिहासिक पारी भी दिखाई देगी जिसका कोई भी वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं है उन्नीस में भारत जिम्बावे मैच के दौरान बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे ऐसे में उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी जब से दुनियादारी की समझ आने लगी लोगों को सिनेमा और क्रिकेट को पूछते देखा है इंडिया की कोई भी क्रिकेट सीरीज होती सड़कें खाली मिलती मार्केट में अपनी दुकान वालों को रोजी रोटी भूल रेडियो के इर्द गिर्द हजूम बनाते देखा है अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो मैच के बीच पानी पीने के लिए भी नहीं उठते थे कि कहीं इंडिया का कोई विकेट ना गिर जाए हमेशा यह इस सवाल रहता है कि हम भारतीयों के क्रिकेट का जुनून इतना क्यों है जबकि हमारा नेशनल स्पोर्ट भी नहीं है वजह थी हमारी पहली वर्ल्ड कप जीत जिसे हम में से ज़्यादातर ने नहीं देखा बस उसकी कहानियां ही सुनी हैं और फुटेज देखी हैं साल उन्नीस में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कहानी ऐसी थी जो हर शख्स तक पहुँचनी जरूरी थी उसी कहानी को कबीर खान ने बड़े पर्दे पर उतारा है एट्टी थ्री नाम की फिल्म के रूम में फिल्म कैसी है इस बार मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा फिल्म के उन पह... मैं बात करूंगा फ़िल्म के उन पहलुओं की जिन्होंने मेरे दिल के तार छुए जिन्होंने फिल्म को मेरे लिए एक यादगार अनुभव बताया अगर डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा आज मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में देखते तो डॉक्टर अस्थाना की क्लास में खड़े होकर एक सवाल ज़रूर पूछते ये देशभक्ति की फ़िल्म में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना ज़रूरी है क्या उनका यह सवाल गलत भी नहीं है गदर से लेकर हालिया फिल्में देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे भुज सत्य जाते टू ये सारी फिल्में गैर जरूरी ढंग से चीखने चिल्लाने लगती हैं 83 दर्शाती है कि आपको अपना हीरोज बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे को बिलन बनाने की ज़रूरत नहीं है बिना बिलन का हीरो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा को अटपटा सा लगता है यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि एट्टी एक बिलन फ्री फिल्म है बस उनकी कोई शक्ल नहीं है यहाँ बिलन ओ अविश्वास है जो खिलाड़ियों पर उनका क्रिकेट बोर्ड दिखाता है विलन है खिलाड़ियों के मन की वो शंका जो उन्हें खुद को नीचा आंकने पर मजबूर करती है विलन है वो तमाम विपरीत परिस्थितियाँ जो नहीं चाहती कि ये टीम इंग्लैंड के मैदान पर कदम भी रखे फिल्म में ऐसे मोमेंट भरे हुए हैं जहाँ क्रिकेटर छाती कूट कूट कर देशभक्ति की दुहाई दे सकते थे गुस्सा उगल सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं मीडिया इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर अनर्गल बातें छापती हैं टीम के खिलाड़ी उबल पड़ते हैं चाहते हैं कि कपिल देव एक मुँह तोड़ जवाब टाइप स्टेटमेंट रिलीज करे लेकिन कपिल ऐसा नहीं करते शांति से समझाते हैं कि जवाब देना है तो अपने गेम से देंगे इस सीन को आराम से हम और ओ वाले फार्मेट में फिट किया जा सकता था लेकिन फिल्म ऐसा करती नहीं साल उन्नीस का वर्ल्ड कप हमारी हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जिस पर गर्व करना बनता है और ये फिल्म आपको सही मायने में करवाती है और ये फिल्म आपको सही मायने में करवाती भी है कुल मिलाकर अपनी देशभक्ति को बाजुओं पर पहनकर नहीं घूमती उनकी नुमाइश नहीं करती उसे अपने दिल में रखती है जहां उसे होना चाहिए एट्टी थ्री की कहानी तो है ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फ़िल्म की कास्ट भी उस एक्सपीरियंस में प्लस वन करने का काम करती है सबसे पहले बात टीम के कप्तान की मुझे अक्सर रणबीर सिंह से शिकायत रहती थी कि उनका एक्टिंग स्टाइल काफ़ी लाउड है उनके एक्सप्रेशन अतिश्योक्त पोड़े लगते थे लेकिन एट्टी में उन्होंने अपना पूरा एक्टिंग गेम बदल के धर दिया है एक तो कपिल देव वाला एक्सेंट जिस पर से रणबीर किसी भी पॉइंट पर अपनी ग्रिप ढीली नहीं होने देते पूरी फिल्म में वह कंट्रोल में दिखाई देते हैं मन में गुस्सा है तो उनकी वो आंखों में नज़र आता है उनके हाथ बिना बात हवा को नहीं चीरते ये नियर परफेक्शन वाला सिलसिला सिर्फ रणबीर तक ही नहीं रुकता फिर वो मंदर लाल बने हार्डी संधू हो या यशपाल शर्मा बने जनित सरना जिन्होंने यहाँ छतरी तो नहीं खोली लेकिन ऐसा बल्ला चलाया है कि मजा आ जाएगा सभी खिलाड़ियों में से किसी एक को भी दूसरे से बेस्ट बता पाना मुमकिन नहीं ऐसी कास्टिंग हुई है यहाँ फिर भी मेरा पर्सनल बयान मुझसे एक एक्टर चुनने को मजबूर करता है कृष्णमन चारी श्रीकांत बने जीवा श्रीकांत की किस्सा गोई स्किल्स कैसी है इसे एक नज़र में जानने के लिए आप कपिल शर्मा सो वाला एपिसोड देख सकते हैं जहां 1983 एटी थ्री वर्ल्ड कप के असली हीरोज शो पर आए थे जीवा को देखकर लगेगा कि वह बिना किसी एफर्ट के श्रीकांत की स्किन में कंफर्टेबल हो गए हैं फिल्म में से एक सीन का जिक्र करते हैं जहां इंडिया टीम एक हॉल में जमा है और श्रीकांत सेंटर स्टेज लेकर किस्सा सुना रहे हैं जिसकी एक झलक आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं उस सीन का माहौल हंसी खिलखिलाहट से शुरू होता है लेकिन फिर इमोशनल हो जाता है यह ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि आपको खटकता नहीं इस एक ही सीन में आप दो विपरीत भाव महसूस कर लेते हैं एटी थ्री क्रिकेट की कहानी है मैदान के बाहर उन क्रिकेटर्स की दुनिया कैसी है इसकी कहानी भी बयां करती है हरे मैदान पर जो कुछ घटता है और उसे कैसे फिल्माया है वो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है कहने को मामूली बात है लेकिन मैच टेलीकास्ट होते वक्त स्क्रीन पर आने वाले फांड को देखिएगा जिसे ओल्ड स्कूल पर रखा गया है साथ ही कैमरा शॉट्स भी वैसे यूज किए गए हैं जैसे उस दौरान मैच की रिकॉर्डिंग में अक्सर होते थे ये बातें नरेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती लेकिन फिल्म को आथेटिक फील देने का काम करती है एक और पॉइंट मोशन कराना जरूरी है मैच के दौरान आपको असली फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं फिर चाहे वो दिलीप व्यंग सरकर की चोट हो या कपिल देव के छक्के हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर गिनती की अच्छी फिल्में बनी हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें बार बार लगान पर जाना पड़ता है ऐसे में एट्टी थ्री इंडियन क्रिकेट की स्पिरिट कैप्चर करने में कामयाब कोशिश साबित होती है ग्राउंड का एक्शन देख आप रोमांचित हो जाएंगे ग्राउंड के बाहर जो घटता है उसे देख आपका गला रोंग जाता है फिल्म की तमाम अच्छी बातों के साथ साथ यहाँ कुछ खामियाँ भी हैं लेकिन फिर भी फिल्म देखी जानी चाहिए दोस्तों हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं धर्म है इसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक में क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है यही वजह है कि बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में क्रिकेट पर आधारित हैं जिनमें कई सुपरहिट रही इसी कड़ी में दिग्गज फिल्म मेकर कबीर खान की फिल्म तिरासी जिसमें रणबीर सिंह दीपिका पादकोड़ और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं उनके साथ बोमन ईरानी ताहिर राज भसीन जीवा साकिब सलीम जनी सरना चिराग पाटिल दिनकर शर्मा निशांत दहिया हाड़ी संधु साहिल खट्टर अम्मी विक्र आदिनाथ कोठारे धारी करवा और आर बद्री जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं फिल्मेटी थ्री की कहानी साल उन्नीस सौ तिरासी में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर आधारित है जिसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अभिनेता रणवीर सिंह तो उनकी पत्नी रोमी भाटिया के किरदार में अभिनेत्री दीपिका पादकोड़ हैं यह रणवीर सिंह की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है जिसे हिंदी के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज किया जा रहा है फिल्म की रिलीज से पहले ही प्रेस शो आयोजित किया गया जिसमें शामिल फिल्म समीक्षकों ने बहुत ही सकारात्मक समीक्षा दी है सभी का एक सुर में मानना है कि फिल्म देर से रिलीज हुई लेकिन दुरुस्त है फिल्म इमोशन जोश और जज्बे से भरी हुई है इसमें अपने दमदार अभिनय के लिए अभिनेता रणवीर सिंह ने समा बांध दिया है वो आप स्क्रीन चाहे जितना नॉन सीरियस देखते हों लेकिन पर्दे पर उनकी छप जुदा रखती है अपने मूल स्वभाव से विपरीत भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के धीर गंभीर और जिम्मेदारी से भरे किरदार अपने बेहतरीन अभिनय से जान डालकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर तरह का रोल सफलतापूर्वक कर सकते हैं बहुत कम स्क्रीन स्पेस इस मिलने के बावजूद अभिनेत्री दीपिका पादकोण ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है रणवीर देवका की रियल लाइफ केमिस्ट्री रील पर भी परफेक्ट दिखती है पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह शानदार काम किया है इसके साथ ही टीम इंडिया के दूसरे अहम सदस्यों जैसे फारूक इंजीनियर के किरदार में बोमन ईरानी सुनील गावस्कर के किरदार में ताहिर भसीन यशपाल के किरदार में जनिस सरना मदन लाल के किरदार में हाड़ी संधु बलविंदर संधु के किरदार में एम ई विक्र श्रीकांत के किरदार में तमिल एक्टर जीवा महेंद्र अमरनाथ के किरदार में साकिब सलीम ने अपना सौ दिया है सबसे बड़ी बात की ये सभी कलाकार केवल अभिनय ही नहीं बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस और चेहरे से भी टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों के हूबहू प्रतिरूप लग रहे हैं जिन्होंने उन्नीस में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म तिरासी को पाँच में से चार स्टार देते हुए बिनर बताया उनकी माने तो इस फिल्म को उन सभी को जरूर देखना चाहिए जिन्होंने इतिहास को बनते हुए देखा था दोनों की तरह लोग ये फिल्म देखकर रोमांचित हो उठेंगे बॉलीवुड हंगामा के लिए तरल आदर्श ने लिखा है पर्दे पर भारतीय क्रिकेट के उन ऐतिहासिक जीत को दर्शाना कठिन काम है उससे भी तब ज्यादा कठिन हो जाता है जब ये ऐतिहासिक जीत कई दशकों पहले हुई हो सटीक तथ्यों और कहानी के अलावा कहानीकार को उस युग को फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत होती है इसके साथ इन किरदारों के साथ भी न्याय करना पड़ता है उन्होंने जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है इन सभी पैमानों पर निर्देशक कबीर खान खड़े उतरे हैं दर्शक फिल्म देखते हुए उस पल को जीते हैं कबीर खान का निर्देशन बेहद शानदार है एट्टी थ्री एक कठिन फिल्म है और सक्षम अभिनेताओं की उपस्थिति के बावजूद यह सपोर्ट ड्रामा का निष्पादन कमतर होता तो फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं होती कबीर अपना सबशे साथ देते हैं दूसरे और तीसरे एक्ट में बाजी मार ले जाते हैं इसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलने के साथ याद के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं वह कुशलता के पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम तक ड्रामा इमोशन और कॉमेडी को संतुलित करते हैं इस फिल्म में म्यूजिक का ज्यादा स्कोप नहीं है फिल्म का एक गाना जो आपके होठों पर रह जाता है वो है लहरा दो बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी है कैमरा फिल्म के मूड को सटीकता के साथ कैप्चर करता है कलाकारों की भरमार है लेकिन सभी ने अपना किरदार ईमानदारी से निभाया है फिल्म के लीड एक्टर रणबीर सिंह भी सबसे शानदार हैं बॉलीवुड लाइफ के लिए रसल डी सिल्वा ने लिखा है फिल्म ख़त्म होने के बाद जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में इसके सीन ही चलेंगे फिल्म में कबीर खान का डायरेक्शन मास्टर क्लास है यकीन मानिए इस फिल्म के सोज के दौरान सभी सिनेमा हॉल स्टेडियम बन जाएंगे हालांकि डायरेक्शन तभी सफल होता है जब उसकी कास्ट भी कमाल की परफॉर्मेंस देती है इस फिल्म में रणबीर सिंह ने वही कमाल किया है उन्होंने केवल अभिनय ही नहीं, नहीं बल्कि दिग्गज क्रिएटर कपिल देव के किरदार को जिया है सच में कहे तो पूरी की पूरी कास्ट ही शानदार है फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एडिटर जिनित वैद ने भी अच्छा काम कर दिखाया है फिल्म ऐसी है कि आप तालियां बजाने खुशी से उछलने और आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे फिल्म आपको नस्टेल्जिया में ले जाती है कोई मोई के लिए उमेश पनवानी ने लिखा है साल उन्नीस में मिली उन ऐतिहासिक जीत की कहानी बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फिल्म तिरासी देखने के बाद उस जीत के इमोशन को महसूस किया जा सकता है फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने संजय पूरण सिंह चौहान वासना वाला के साथ एक ऐसी कहानी लिखी है जो उस ऐतिहासिक पल के गवाह न बन पाने वाले लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है कबीर खान के सबसे भरोसेमंद सिनेमाटोग्राफर असीम मिश्रा ने अपने कैमरे से रिक्रिएट की गई घटनाओं को कैद किया है लेकिन कैमरे की कलाकारी कहे असीम का कमाल हर सीन वास्तविक लगता है एडिटर जैनित बाद ने फिल्म को दो घंटे चालीस मिनट के टाइम फ्रेम में समेट लिया है लेकिन इस वक्त में भी रोमांच बरकरार रहता है कपिल देव के किरदार में रणबीर सिंह ने कमाल का काम किया है उन्होंने अपने अभिनय की चमक से उन सभी कलाकारों को भी रोशन किया जिनको दर्शक कम जानते हैं कुल मिलाकर एट्टी एक बेहतरीन फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए दोस्तों मीडिया की दुनिया में कहा जाता है कि तीन सी लोगों का हमेशा ध्यान खींचते हैं ये है क्रिकेट सिनेमा और क्राइम निर्देशक कबीर खान की रणबीर सिंह स्टारर फिल्म एट्टी क्रिकेट और सिनेमा का एक जबरदस्त कंबिनेशन लेकर आई है क्रिकेट पर यूँ तो कई बॉलीवुड फिल्में बनी हैं लेकिन एट्टी थ्री ने साबित कर दिया है कि इस जॉनर में अभी काफ़ी स्कोप है निर्देशक कबीर खान इससे पहले भी कई भावात्मक कहानी पर्दे पर बयां कर चुके हैं लेकिन 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप देश में लाने वाली टीम की इस कहानी को बयां कर कबीर खान ने अपने ताज में एक और हीरा जोड़ लिया है अगर आप लंबे समय से सिनेमाघर में लौटने के लिए किसी अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो एट्टी पर आपकी खोज जरूर खत्म होगी यह कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के उन दौर की जब यह टीम सिर्फ हारने के लिए जानी जाती थी 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप के दौरान दुनिया तो छोड़ी है खुद अपने देश के लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह टीम विश्व कप में कहीं खड़ी हो पाएगी उस दौर में तीन बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराकर क्रिकेट विश्व को भारत लाने का पहला कारनामा किया था कप्तान कपिल देव और उनकी टीम ने इस अंडर डार्क टीम के विजेता बनने की कहानी है सिनेमा का असली काम मनोरंजन करना होता है और ऐसी कोई फिल्म जिसकी कहानी आपको पता हो जिसका क्लाइमैक्स आपको पता हो उसमें सस्पेंस वाला फैक्टर नहीं होता ऐसे में ऐसी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है सब कुछ पता होने के बाद भी दर्शकों को कुर्सी पर चिपका कर रखना और निर्देशक कबीर खान की ये फिल्म यही कमाल बाखूबी कर रही है फिल्म जबरदस्त इमोशन है जो आपको भी कभी दुख के तो कभी गर्व के आंसू महसूस करने पर मजबूर कर देंगे इस फिल्म में हीरो के तौर पर भले ही रणबीर सिंह हो लेकिन यह कहानी सिर्फ रणबीर सिंह की ही नहीं बल्कि उस पूरी टीम की है फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये ना तो सिर्फ क्रिकेट दिखाती है और ना ही सिर्फ इमोशनल ड्रामा पर फोकस करती है बल्कि इसमें सब कुछ बिल्कुल सटीक मात्रा में है कहीं भी डायलॉग के जरिए जीत के लिए मोटिवेशनल स्पीच या ओनली कैप्टन द इज हीरो जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है बीच बीच में कुछ सीन में असली मैच की क्लिपिंग भी दिखाई गई है जो आपको बार बार एहसास दिला देती है कि आप असल में नाइनटीन एटी थ्रा का बिश कप मैच देख रहे हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेट कपिल देव के किरदार में नजर आए हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेटर कपिल देव के किरदार में नज़र आए हैं लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही आप भूल जाएंगे कि आप रणवीर सिंह को पर्दे पर देख रहे हैं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रणवीर ने 83 में एक्टिंग का कितना ज़बरदस्त शॉट मारा है रणबीर ने कपिल देव की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका डिक्शन उनका स्टाइल सब कुछ अपने अंदर से मिट लिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वाइस दौर के सबसे बेहतरीन स्टार्स में से एक हैं लेकिन ये सब रणबीर ने सिर्फ अकेले ही नहीं किया है बल्कि उनकी टीम ने भी उनका पूरा साथ दिया है ताहिर राज भसीन साकििब सलीम चन्नी सारना जीवा एमी ई विक्र हाड़ी संधु जिस भी प्रेम में नजर आए हैं शानदार रहे हैं वही टीम मैनेजर पी आर मानसिंह बने पंकज त्रिपाठी फिल्म में शानदार रहे हैं उनका स्क्रीन पर होना ही आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा देव का पादकोट सेकंड हाफ में एंट्री करती हैं लेकिन जिस भी सीन में वह नजर आई हैं बेहद खूबसूरत लगी हैं फिल्म का संगीत इसकी गद को बढ़ाने में और भी सहयोग देता है ये कहानी बहुत कुछ दिखाती है और अगर आप भी मेरी तरह उनमें से एक हैं जिन्होंने नाइनटीन एटी थ्री में भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी सिर्फ सुनी है और उसे जिया नहीं है ये यकीन मानिए कि फ़िल्म आपको फिर से वो पर जीने का मौका देगी मेरी तरफ से इस फिल्म को चार स्टार की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू न्यूज एटीन हिंदी सिनेमा के मुख्य कार्य हैं दर्शकों का मनोरंजन करना और कोई सामाजिक संदेश देना यदि आप सिनेमा को सिर्फ इतिहास समझने या कोई महत्वपूर्ण सीख लेने के लिए देख रहे हैं तो आप गलत जगह हैं आपका रास्ता पुस्तकालय की ओर जाता है 1983 में जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप तब पूरे भारतवर्ष के लिए भारतीय इतिहास के कुछ गौरवशाली पलों में से एक था और कबीर खान के निर्देशन में आप उन पलों को फिर से जी सकते हैं क्रिकेट एक है टीम गेम है और इस फिल्म की सफलता भी सिर्फ रणबीर और दीपिका की ना होकर इस फिल्म से जुड़े पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है फिल्म का पहला दृश्य आपको उस ऐतिहासिक दिन की झलक दिखाता है शुरुआत में आपका ध्यान फिल्म के कलाकारों को पहचानने की ओर ज़्यादा रहेगा फिल्म की कास्ट बेहतरीन है और कलाकारों की इस पूरी टीम में पहले से मशहूर लोकप्रिय खेल हस्तियों का चेहरा बन बड़े पर्दे पर उनकी परछाई के रूप में खुद को भी अमर कर दिया है मोहिंदर अमरनाथ नेता गुप्ता का फिल्म से जुड़ना ऐतिहासिक है तो रणबीर सिंह से लेकर एमी बिक्रम ने एट्टी से जुड़े हर शख्स का परफेक्ट चेहरा बना कबीर खान ने झंडे गाड़ दिए हैं मेकअप टीम के बिना यह सब असंभव था बड़े पर्दे पर रणबीर पर को कपिल देव जैसा लुक देना हो या दीपिका को हो बहु रेमी देव बना देना इस टीम का काम काबिल तारीफ रहा अभिनय पर बात कर ली जाए तो कपिल देव का व्यवहार रणबीर वैसा ही निभाते हैं जैसे कपिल हैं अभ्यास मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन इसकी बनगी भर है दीपिका के पास जितना अभिनय करने के लिए था उन्होंने अच्छा किया मानसिक बने पंकज त्रिपाठी गावस्कर बने ताहिर भसीन श्रीकांत बने जीवा संधु बने एम एमी बिक्रे सहित और अन्य सितारों ने अपना बेहतरीन अभिनय दिया है यशपाल शर्मा बने जनी सरना भी विशेष रूप से प्रभावित करते हैं फिल्म की कहानी वह सब दिखाती आगे बढ़ती है जैसे उस काल में क्रिकेट हुआ करता था फिर चाहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के रुतबे को दिखाना हो या भारतीय टीम के लिए सुविधाओं का अभाव फिल्म में सुनील गावस्कर और कपिल के रिश्तों पर भी प्रकाश डाला गया है सचिन के सचिन बनने की शुरुआत भी यहाँ दिखती है इंटरवल के बाद फिल्म हर क्षेत्र में बेहतरीन बन जाती है फिर चाहे वह पटकथा के मामले में हो या संगीत के फिल्म की पटकथा खूबसूरती से यह एहसास कराती है कि अतीत के पन्नों को पर्दे पर उतार दिया गया है फिल्म में त्रुटियाँ खोजने पर भी नहीं मिलती वन खेड़े की टैक्सी वाले किस्से का अधूरा न छूटना इसका सबूत है रेडियो पर कमेंट्री सुनना टीवी एंटीना का हिलाना डेविड फ्रिथ का हिस्सा और बॉर्डर पर गोलीबारी सब कुछ ध्यान रख चुन चुन कर फिल्म में लाया गया है टीम बस में बैकग्राउंड पर बजता गाना हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए दर्शकों को उन्नीस सौ तिरासी में ही लेकर चले जाता है फिल्म के अंतिम पलों में बैकग्राउंड संगीत ने तो कमाल ही कर दिया लहरा दो गीत चक देवाला कमाल दोहरा सकता है फिल्म के कुछ दृश्य बेहतरीन है जैसे मार्शल वेंगसार का आमना सामना कपिल के शॉट पर ड्रेसिंग रूप का शीशा टूटने वाला दृश्य सिनेमाघर पर दर्शकों की सीटी बजवा देगा तो श्रीकांत का पार्टी में बोलना सबको भावुक कर देगा फिल्म के संवाद में अतीत के वो संवाद भी शामिल हैं जो मिसाल बन गए थे अब कुछ बेहतरीन संवाद जोड़ उस याद को दिल के और करीब पहुँचा दिया गया है जैसे कपिल का इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते कपिल का संधु को प्रोत्साहित करने वाला पूरा संवाद फिल्म खत्म होते होते भी कपिल की जुबानी कुछ किस्से सुना दर्शकों को उनकी सटीक से बांध दिया गया और यह साबित करता है कि 83 भारतीय फिल्म इतिहास के कुछ याद रखे जाने वाले फिल्मों के क्लब में शामिल हो चुकी है फिल्म एक महत्वपूर्ण कारण से परफेक्ट रेटिंग नहीं ले पाई वह है इसका विषय फिल्म सिर्फ उन दर्शकों के लिए है जिन्हें क्रिकेट से लगाव है या कभी रहा होगा फिल्म 83 का टीजर आ गया था इसका टीजर सामने आया तो इसे खूब पसंद किया गया इसमें एक गेंदबाज को दौड़ते हुए दिखाया गया और एक बल्लेबाज साठ मारता है इसके बाद रणबीर सिंह गेंद को कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं गेंद कैच होती है या नहीं इससे पहले टीजर खत्म हो जाता है इस टीजर को वाह वाहि तो खूब मिल रही थी पर क्या आपको पता है कि यह टीजर किस घटना का था आप जानते ही हैं कि यह फिल्म भारतीय टीम की 83 थ्री विश्व कप जीत पर बनी है रणबीर इसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं इस विश्व कप में कोई भी भारतीय टीम को खास अहमियत नहीं दे रहा था लेकिन आखिर में उसमें से दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हरा कर खिताब पर कब्जा किया था इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया क्रिकेट जन जन की पसंद बन गया भारतीय टीम पहली बार विश्व विजेता बनी और कितने ही लोगों ने इस खेल को अपनाने की सोची तो चलिए बात करते हैं इस टीजर की यह टीजर उस वास्तविक घटना को दिखा रहा है जब भारत और वेस्टइंडीज में लॉर्ड्स और मैदान पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था भारत में महज एक रन बनाए गए थे और जवाब में वेस्टइंडीज मजबूत नजर आ रही थी बीबीएन रिचर्ड ने छत्तीस गेंद पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे वह अपनी पारी में सात चौके लगा चुके थे रिचर्ड ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी भारतीय कप्तान कपिल देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गेंदबाजी किसे सौंपे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका नतीजा इस टीचर में दिख रहा है मदन लाल तीन ओवर में इक्कीस रन दे चुके थे कपिल हाथ में गेंद पकड़कर खड़े थे और सोच रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए तभी मदन लाल आते हैं और उनके हाथ से गेंद लेकर चले जाते हैं कुछ समझने और कहने का वक्त नहीं मिलता मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड शार्ट खेलने की कोशिश करते हैं गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आती वह हवा में ऊंची जाती है कपिल को एक शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज होने के साथ साथ एक कमाल के फील्डर भी थे जो दौड़ लगानी शुरू की गेंद उनके कंधे के ऊपर से जा रही थी कपिल लगातार दौड़ रहे थे अब टीजर में तो नहीं दिखाया गया कि कैच हुआ या नहीं लेकिन असल में कैच हुआ था और शानदार कैच हुआ था इस कैच के बाद अजय समझे जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम पटरी से उतर गई एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने तीन तीन विकेट लिए वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 140 पर आउट हो गई लॉर्ड्स की बालकनी में कपिल प्रोड्यूसर कप थामे खड़े थे और यह तस्वीर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई लेकिन फाइनल में इसकी शुरुआत मदन लाल की उस गेंद रिचर्ड के उस शॉट और कपिल देव के दे और कपिल देव के उस बाकमाल से कैच हुई थी 25 जून उन्नीस की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है जब हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा था और आंखें नम थी बेहद कमज़ोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ को तैतालीस रन से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच की कप्तानी कपिल देव के कंधों पर थी उस दौर के लोग जानते हैं कि कैसे इन मुकाम को हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने न केवल पसीना बल्कि खून तक बहाया था निर्देशक कबीर खान ने इसी रोमांचक जीत की कहानी को पर्दे पर उतारने का काम किया है और यह कहने में गुरेज नहीं कि कबीर खान इन काम में कामयाब हो गए हैं जब दर्शक देखते हैं कि वर्ल्ड कप की जीत में खून का कतरा तक बहा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं रणबीर सिंह और दीपिका पादकोड़ स्टारर फिल्म एट्टी रिलीज होने वाली थी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित इस मूवी को लेकर दर्शकों में अभी से बेकरारी नजर आ रही थी इस फिल्म में साल 1983 में भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की और क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतने के सुनहरे पल को दिखाया गया है फिल्म 83 थ्री रणबीर सिंह और दीपिका पादकोड की शादी के बाद पहली ऑन स्क्रीन मूवी होगी जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आए हैं जबकि दीपिका पातकोड़ उनकी पत्नी रोमी भाटिया के रोल में हैं कबीर खान के निर्देशन में बनी एटी थ्री में रणवीर सिंह और दीपिका पादकोड़ के अलावा पंकज त्रिपाठी अम्मी विक्र साकिब सलीम हाड़ी संधु बोमन ईरानी साहिल खट्टर अमृतापुरी ताहिर राज भसीन और निशान दहिया भारतीय क्रिकेट टीम के अन्य सदस्य और मैनेजर की भूमिका में हैं फिल्म एट्टी थ्री इसलिए खास है क्योंकि इसमें देशभक्ति है इसमें क्रिकेट है इसमें भावनाओं का जुड़ाव है 1983 की टीम वास्तव में भारत भर की क्रिकेट प्रतिभाओं का एक सम्मेलन थी जो आखिरी गेंद तक लड़ना चाहती थी विश्व कप जीतने के लिए कुछ ऐसा करो जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं किया गया लोग उस इतिहास को फिर से देखना चाहते हैं जो प्रतिनिष्ठ कप्तान कपिल देव द्वारा बनाया गया था जब भारत में 1983 में इंग्लैंड में विश्व कप फाइनल में शक्तिशाली बैंडिडीज को हराया था अगर आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप कई ऐसे इमोशनल मोड़ आएंगे जो आपकी आंखें नम कर देंगे ऐसी घटनाएं हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं जो स्ट्रांग पॉइंट हैं उनमें से एक है रिसर्च ऐसा लगता है कि हर मैच को बार बार देखा गया है और हर सीन को फिल्माने से पहले मैच के वीडियोज़ देखे गए हैं वही हर किरदार में कलाकार जिस तरह ढले हैं उससे साफ जाहिर है क्रिएटिव टीम ने जबरदस्त होमवर्क किया है सीन ऐसे रचे गए हैं कि सभी 11 प्लेयर्स को पूरी अहमियत मिली है फारूक इंजीनियर के रोल में बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में पंकज त्रिपाठी गावास्कर के रोल में ताहिर भसीन श्रीकांत के रोल में तमिल एक्ट जेबा महेंद्र अमरनाथ के रोल में साकिब सलीम यशपाल के रोल में जनित सारना मदन लाल के रोल में हाडी संधु बलविंदर संधु के रोल में एम ए विक्रम ने अपना सौ प्रतिशत दिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि उनका कोई तोड़ नहीं है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की वो पारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था भारतीय टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह के रोल में पंकज त्रिपाठी छा गए हैं पंकज त्रिपाठी का हैदराबादी एक्सेंट जबरदस्त है यह फिल्म उस वक्त के खिलाड़ियों की, की तबीयत उनकी मशखरी उनके इमोशनल एंगल उनके संघर्षों की कहानियाँ दिखाती है यह फिल्म बताती है कि किन परिस्थितियों में और संसाधनों के अभाव में कैसे भारतीय टीम ने वो करिश्मा किया था जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी 83 थ्री वो फिल्म है जिसे जरूर देखा जाना चाहिए 1983 से पहले पैदा हुए लोगों की यादें ताज़ा होंगी तो इसके बाद पैदा हुए लोग भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम विजय को साक्षी बन सकेंगे फिल्म के गाने जोश भरने का काम करते हैं दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर देवता डायरेक्टर कबीर खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो उन्नीस की विश्व कप जीत को फिल्मी पर्दे पर कैसे दिखाते हैं सिर्फ कबीर खान ही नहीं रणबीर सिंह के लिए भी कपिल देव की भूमिका निभाना कितना कठिन रहा होगा और वो इसे दर्शकों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए ये तो आपको फिल्म देखकर पता ही चल जाएगा ये तो आपको फिल्म देखकर पता चल ही जाएगा फिलहाल इसकी छोटी मोटी कहानी और किरदारों के बारे में हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहते हैं फिल्म का प्लाट प्लाट लाइन को देखें तो फिल्म तिरासी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है यह एक ऐसी फिल्म है जो उन्नीस के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के इतिहास की कहानी बया करती है वैसे तो इसके इतिहास पर कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन फिल्म को आकर्षक और देखने लायक जो चीज़ें इसमें बनती हैं वो हैं इसके किरदार और खिलाड़ियों के जीवन की छोटी छोटी कहानियाँ टीम इंडिया के लिए यह जीत वाकई अभी थी क्योंकि लॉर्डेस में टीम को एंट्री की इजाजत तक नहीं थी और टीम की भारत वापसी की टिकटे सेमीफाइनल से पहले ही बुक हो चुकी थी अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो फिल्म कई हिस्सों में से आपको इमोशनल भी करेगी जहां आप आंसू रोक नहीं पाएंगे अड़तीस साल पुरानी जीत को कर सकेंगे महसूस पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाए गए कोच पी आर मान सिंह के साथ कपिल का, का मजाक हो या सुनील गवस्कर यानी ताहिर राज भसीन के साथ उनके तनावपूर्ण छड़ हर एक दृश्य आपको वापस उन्हीं क्षणों में ले जाएगा जिस दौरान भारतीय टीम इसे जी रही थी फिल्म देखने के दौरान आपको एहसास होगा कि आप इस जीत को 38 साल बाद सिनेमाघरों में एक कहानी के जरिए फिर से महसूस कर रहे हैं कैसी है कास्टिंग फिल्म का सबसे मुश्किल किस्सा बेशक इसकी एक्टिंग रही होगी कपिल देव के किरदार में नज़र आए रणवीर सिंह अपने किरदार में पूरी तरह से खोए नज़र आए हैं अगर इस फिल्म को पूरी तरह से उनकी फिल्म कहा जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है फारूक इंजीनियर के रोल में नज़र आए बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में नज़र आए पंकज त्रिपाठी और गावस्कर के रोल में ताहिर भसीन यशपाल के रोल में जनित सरना मदन लाल के रोल में हार्दिक संधू और बलविंदर संधू के रोल में एमी बिक्र काफी सही चॉइस थी हालांकि कपिल देव की पत्नी के किरदार में नजर आई दीपिका पाथोड़ कुछ खास अच्छी नहीं लगी दीपिका का रोल फिल्म में बस हीरोन की रस्म अदायगी करने के लिए रखा गया था कुल मिलाकर फिल्म उन लोगों के लिए उन खट्टे मीठे और सुखद पलों का एक जरिया है जो उन्नीस में मौजूद तो नहीं थे लेकिन आप फिल्म देखकर उस पल को महसूस जरूर कर सकते हैं फिल्म आपको हंसाने के साथ कुछ मोमेंट पर रुलाएगी भी और हो सकता है आपका क्रिकेट प्रेम भी जाग जाए अड़तीस साल पुरानी जीत की खुशी को पर्दे पर देखने का जो सुकून था वो शायद आपको शब्दों में बता पाऊं। सन उन्नीस के विश्व कप क्रिकेट में हिस्सा लेने गई भारतीय टीम के कप्तान कपिल दो को छोड़ दिया जाए तो टीम के अन्य खिलाड़ियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कप उठाएंगे कोई खिलाड़ी सर सपाटे पर गया था तो कोई हनी मनाने आखिरकार कपिल का विश्वास रंग लाया और भारतीय टीम चैंपियन बनी उस पत्रकार को अखबार खाना पड़ा जिसने लिखा था कि यदि टीम इंडिया विजेता बनी तो वह अपने शब्द वापस लेगा इस जीत ने भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी भारतीय क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 83 के पहले और 83 के बाद का अध्याय होगा इस जीत से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और आज करोड़ों भारतीयों की रगों में क्रिकेट बहता है उन्नीस में टीम किस तरह से चैंपियन बनी उस स्वर्णिम यात्रा को निर्देशक कबीर खान ने 83 में स्क्रीन पर उतारा है जिन लोगों ने 1983 में टीम को विश्व कप जीतते देखा है उन्हें इस फिल्म के जरिए दोबारा लम्हों को जीने का अवसर मिलेगा और जिन्होंने बड़ों से किस्से सुन रखे हैं उन्हें याद देखने को मिलेगा फिल्म शुरू होती है 83 फाइनल के उस ऐतिहासिक कैच से जो कपिल देव ने 25 गज पीछे की ओर भागते हुए पकड़ा था जिसने भारत की जीत लगभग तय कर दी थी यह पहला सीन ही दर्शकों को जगड़ लेता है और वह आगे के लम्हे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके बाद सीन दर सीन आते जाते हैं आप रोमांचित होते हैं गर्भ से सीना फूल जाता है मनोरंजन होता है ठहाके लगते हैं तो कई बार आंखें नम हो जाती हैं 1983 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के निमंत्रण मिलने से लेकर कब जीतने तक की गाथा को फिल्म में दर्शाया गया है यह फिल्म उस जीत का सेलिब्रेशन है युवा वर्ग को फिल्म देखते समय आश्चर्य हो सकता है कि आज अरबों रुपए कमाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के क्या हाल थे कमाई कम होने के कारण बलविंदर संधू की सगाई टूट गई थी पैसे बचाने के लिए कप्तान कपिल देव खुद कपड़े धोते थे सुनील गावस्कर को घर चलाने के लिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ती थी फिल्म में विश्व कप के वो तमाम मैच दिखाए गए हैं जिन्हें खेलते हुए भारत विजेता बना खिलाड़ियों की आपसी नोकझोंक तो मनोरंजन ही है प्रेम ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जाती है और दर्शाती है कि किस तरह से खिलाड़ियों ने खुद को मैच दर मैच तैयार किया यकीन हासिल किया और फिर कमाल कर दिखाया कपिल देव के व्यक्तित्व को 83 थ्री उभारती है एक ऐसा शख्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता था जिसका अंग्रेजी में हाथ तंग था टीम के खिलाड़ी कपिल की अंग्रेजी पर हंसते थे पत्रकार मजाक बनाते थे उनकी टीम की हंसी उड़ाई जाती थी लेकिन वह इरादों का पक्का था इन बातों का जवाब वह अपने खेल से देना जानता था फिल्म में यू तो कई रोमांचक क्षण हैं जो आपको अंदर बैठे क्रिकेट प्रेमी आनंदित करते हैं लेकिन कपिल देव की जिम्बावे के खिलाफ एक रनों की पारी हिला देती है सत्रह रनों के अंदर पाँच विकेट गिराने के बाद कपिल ने एक रन बना डाले और टीम को जिता दिया यही वो डाइनिंग थी जिसने टीम के खिलाड़ियों के अंदर विश्वास पैदा किया कि कप्तान जान लगा रहा है तो हमें भी कुछ कर दिखाना चाहिए यह वो इनिंग थी जिसने देशों की सीमाएं तोड़ दी थी हर क्रिकेट प्रेमी ने इसकी तारीफ की इस इनिंग ने भारत में लाखों युवाओं को कपिल बनने के लिए प्रेरित किया इस डाइनिंग के बाद जब कपिल पैवेलियन लौटते हैं तो गावस्कर मैदान में पानी का गिलास लिए उनकी ओर भागते हैं यह कमाल का सीन है जो इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की बॉन्डिंग को दिखाता है फिल्म में ऐसे कई प्रसंग हैं जो दिल को छूते हैं खिलाड़ियों का मुफ्त का खाना ढूंढना हाई कमीशन की पार्टी में श्रीकांत का कपिल की तारीफ करना बस में टीम मीटिंग और बैकग्राउंड में प्ले होता है एक दूसरे के लिए का गाना आई डोंट टू नो हॉट यू से इन इंद्र को देखकर दर्शकों के अंदर भावनाएं उमड़ने लगती हैं कबीर खान एंड टीम के लिए यह फिल्म बनाना आसान नहीं रहा होगा सभी एक्टर हैं और उन्हें दिग्गज खिलाड़ी की तरह खेलते हुए दिखाने के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है भारत के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी उनकी तरह दिखने वाले एक्टर जुटाए गए हैं रियल लोकेशन पर शूटिंग की गई चाहे वो लार्ड्स की बालकनी हो या ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों के चमत्कारिक लम्हों को हु बहू काफी किया गया है चाहे वो कपिल के नटराज मुद्रा में लगाए गए शार्ट्स हों या दिलीप गोवस्कर को मार्शल का बाउंसर चेहरे पर लगा हो निर्देशक के रूप में कबीर खान प्रभावित करते हैं उन्हें उन दर्शकों का भी ध्यान रखना था जो क्रिकेट ज़्यादा समझते नहीं हैं इसलिए मैच के बीच में उन्होंने मनोरंजक लम्हे रखे हैं उनसे एक शिकायत इस बात की रहती है कि उन्होंने फिल्म को इस तरह बनाया है मानो हर दर्शक उस दौर के क्रिकेट से परिचित हो उस विश्व कप का क्या फॉर्मेट था कितने ओवर के मैचेस थे इस तरह की बातों को आसानी से समझाया जाता तो फिल्म की पहुंच बढ़ती दर्शकों से यह फिल्म अपेक्षा करती है कि उन्हें थोड़ा क्रिकेट का ज्ञान भी हो यदि आप लाला अमरनाथ वनखेड़े विच रिचर्ड फारूक इंजीनियर जैसे नामों से परिचित हों तो आपको फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे भी इस फिल्म के लिए आपका क्रिकेट प्रेमी होना जरूरी है फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है क्रिकेट के दृश्य देखने में उमदा लगते हैं कहीं भी देख ये नहीं लगता कि एक्टिंग हो रही है सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म का मजबूत पक्ष है फिल्म में दो तीन गाने हैं जिनके बोल अर्थपूर्ण हैं और यह कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं एटी थ्री रणबीर सिंह के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाएगी कहीं रणबीर सिंह नजर आता है कहीं कपिल देव ही नज़र आते हैं कपिल को पूरी तरह से उन्होंने अपने में आत्मसात कर लिया है कपिल के बोलने की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर पर्दे पर उतारा है उनके लुक पर जो मेहनत की गई है वो काबिल तारीफ है मान सिंह एक ऐसा मैनेजर है जो पैसे से लेकर खिलाड़ियों के रिश्ते तक को मैनेज करता है की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने शानदार एक्टिंग की है दीपिका पादकोड़ का रोल छोटा है लेकिन वह फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं सपोर्टिंग कास्ट का काम भी शानदार है सभी खिलाड़ियों जैसे लगे हैं और उन्हीं की तरह एक्ट किया है फिल्म 83 थ्री हरियाणा हरकेन कपिल देव और उनकी जावास टीम की विजय गाथा है जिनके कारनामे में क्रिकेट की दशा और दिशा बदल डाली भारत क्रिकेट की शक्ति के रूप में उभरा यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो इस फिल्म को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता मैं क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं इसलिए कई बार जब भी क्रिकेट को लेकर बात होती है तो मुझसे एक बात कही जाती है कि तुम्हें नहीं समझ आएगा हाँ ये सही बात है कि क्रिकेट के दांव पे मुझे समझ नहीं आते लेकिन जो एक बात समझ आती है वो ये है कि जब बात देश की होती है तो कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं होती दिलों में अपने आप एक जोश भर जाता है ऐसा ही जोश भरती है हर देशवासी के दिल में कबीर खान की फ़िल्म एट्टी थ्री अगर कहा जाए कि खून का कतरा बहा है तब जाके वर्ल्ड कप देश में आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये जब आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भले ही 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप के, के गवाह ना बन सके हों लेकिन फिल्म 83 के जरिए कबीर खान ने हमें वो मौका दिया है कि हम उस लम्हे को सिल्वर स्क्रीन के जरिए जी सकें अब इसमें कबीर खान कितना कामयाब हुए हैं ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा 83 फिल्म की कहानी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का जिम्मा युवा खिलाड़ी कपिल देव को सौंपा गया जिन्होंने एक ऐसी टीम का नेतृत्व किया जिसे पहले अंडर यानी कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप जिसे क्षमता नहीं होती के रूप में देखा गया और फिर इसी टीम ने साल उन्नीस में देश का पहला विश्व कप खिताब जीता कबीर खान की एट्टी थ्री विश्व कप जीतने वाली इस टीम यात्रा को सहमत करती है जिसने देश को विश्वास कराना और मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाया फिल्म की कहानी ऐसी है जो 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट को जीत का इतिहास रचते हुए दर्शाती है विश्व कप के ग्रैंड फाइनल के प्रोग्राम किताबों में लिखे गए हैं लेकिन विश्व कप की यात्रा के दौरान की गई कहानी और किस्सों को कबीर खान ने अपनी इस फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है इसमें दो राय नहीं है कि सिने प्रेमियों के साथ साथ ये फिल्म क्रिकेट प्रेमियों को भी पसंद आने वाली है फिल्म के पहले कुछ मिनट में फिल्म के किरदारों से परिचित कराया जाता है वो भी पासपोर्ट सिक्वेंस का इस्तेमाल करके इस दौरान डायलॉग्स और बातचीत भी सुनाई पड़ती है जिसमें कहा जा रहा होता है कि भारतीयों को विश्वास नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा इस क्षण आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि यह फिल्म सिर्फ 1983 में जीते गए विश्व कप की यादों को ही ताजा नहीं करती बल्कि ये फिल्म सम्मान पाने को लेकर भी है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप उसमें खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं अगर आप एटी थ्री के बाद पैदा हुए हैं तो एक बार को शायद यह एहसास भी हो सकता है कि जब विश्व कप जीता गया तो उस वक्त आप उस लम्हे के गवाह बनने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे मुझे तो यही एहसास हुआ फिल्म के हर एक सीन में इमोशन है एक बात है जो दिल को छूती है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की व्यापारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था इसके अलावा एक वो सीन जब संदीप पाटिल और कपिल देव बैटिंग कर रहे होते हैं तो दर्शक मैदान पर दौड़े चले आते हैं एक सीन और रियल दिखाया गया है जब दिलीप चोटिल होते हैं और उनका खून बहता है इस तरह के कई रियल सीन हैं जिन्हें बीच बीच में कबीर ने अपनी इस फिल्म में दिखाया है कबीर खान ने इमोशन के जरिए हर खिलाड़ी में रंग भरे हैं जो उन्हें एक अलग टीम बनाती है हम शायद ही ये सोच सकते हैं कि कृष्णा मचारी श्रीकांत जो क्रिक भी कर सकते हैं इसकी तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने एक्सेंट से जो फिल्म में हुमर डाला है वो कमाल का है यशपाल शर्मा उर्फ जनिस सरना एमी उर्फ बलविंदर संधु और मदन लाल के रूप में हाड़ी संधु इन सभी ने फिल्म में एक अलग ही जान डाली है सीरियस टाइम पर भी इन लोगों का बात करने का स्टाइल एट्टी को बेहद आकर्षक और देखने योग्य बनाता है इसके अलावा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ यानी साकिब सलीन के बीच एक सीन है जिसमें दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को लुक्स देते हैं उसमें फिर वही भी बोलकर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती दोनों लुक्स देखकर ही एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं यही फिल्म की शार्प और टाइट स्क्रीन प्ले की ताकत भी है फिल्म में आपको रियल कपिल देव और महिंद्र अमरनाथ की झलक भी देखने को मिलेगी महिंद्र अमरनाथ ने फिल्म में अपने पिता लाला अमरनाथ की भूमिकाएँ निभाई है इस फिल्म की सबसे अच्छी खासियत है कि यह फिल्म किसी एक कलाकार को अहमियत देते हुए आगे नहीं बढ़ती फिल्म का हर एक किरदार इस फिल्म की जान है फिर वो छोटे से छोटा रोल निभाने वाली ऑडियंस बने सपोर्टिंग एक्टर से क्यों ना हो फिल्म के कुछ सीन काफ़ी कमाल के हैं जैसे एक जगह पर वेस्ट इंडीज़ के एक गेंदबाज की गेंद से दिलीप चोटिल हो जाते हैं तब पूरी भारतीय टीम आक्रोशित हो उठती है संदीप पाटिल हाथ में चोट खाने के बावजूद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और महेंद्र अमरनाथ भी अपना पूरा दमखम दिखा देते हैं इसके अलावा फिल्म के कई डायलॉग्स भी अच्छे हैं जैसे मैच को लेकर एक जगह पर कपिल देव और रणबीर सिंह भारतीय टीम के मैनेजर पीआर आर मान सिंह और पंकज त्रिपाठी से बात कर रहे होते हैं तो मान सिंह उन्हें समझाते हैं कि इतना ठीक नहीं है तब कपिल कहते हैं इतना उतना करने नहीं आया मैं यहाँ पर इस सीन में वह अपनी टीम से कहते हैं ठीक ठाक खेलने से नहीं चलेगा अब अवकाश से खेलना होगा सबको वही एक सीन में कुछ अखबार भारतीय टीम की आलोचना में कुछ लिख देते हैं जिसमें हर टीम के लोग कुछ कपिल देव से जवाब देने को कहते हैं तब कपिल उनसे कहते हैं कि हमारी क्रिकेट को हमारा जवाब देना होगा वही अभिनय की बात करें तो हर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय करता हुआ दिखा है हर किसी ने अपने किरदार को बाखूबी जिया है जिसका नतीजा यही है कि यह फिल्म को बहुत ही बनाता है फिल्म में सबसे अच्छे लगे हैं पंकज त्रिपाठी जिनका हैदराबादी एक्शन जबरदस्त है वहीं कई जगहों पर रणबीर सिंह ने आपके कपिल देव की झलक देखने को मिल जाएगी इसके अलावा हर कलाकार बेहतरीन रहा है फिल्म के गाने दर्शकों में और जोश भरते हैं अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह खिलाड़ियों के बैग लेने पहुंचते हैं जहां दफ्तर के कुछ कर्मचारी उनके साथ मजाक करते हैं ये मजाक युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया के साल उन्नीस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने वहाँ हारने और फिर वापसी आने तक के तंज को अपने अंदर समेटे हुआ था पी मानसिक जवाब में जीत कर आने की बात कहते हैं फिल्म निर्देशक कबीर सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म तिरासी इसी तंज और जीत कर आने की जिद की कहानी को अपने अंदर लिए हुए है जो पर्दे पर पर्द दिख रही है साल उन्नीस का वर्ल्ड कप हर किसी को याद है जो तब थे उन्हें भी और जो पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी क्योंकि आज़ादी के बाद दुनिया में खेल के मैदान पर भारत को जो ऊंचा सिर हासिल करने की जगह मिलनी थी वो इसी वर्ल्ड कप जीत के बाद मिल पाई क्योंकि दूसरी तरफ ओलंपिक में भारतीय हॉकी का जलवा अब खत्म होने लगा था अड़तीस साल पहले जो हो चुका उसके ऊपर न जाने कितने हज़ारों शब्द लिखे जा चुके हैं कबीर खान ने उसे एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है डायरेक्टर या लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इतनी बड़ी चीज़ को दो ढाई घंटे की फिल्म में किस तरह उतारा जाए क्योंकि हर मिनट में आपको एक किस्सा दिखाई पड़ना है टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर वर्ल्ड कप जीत लाने तक हर एक पल में एक कहानी है टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव से लेकर मैनेजर पी आर मान सिंह के पास अपना एक अनुभव है रणवीर सिंह की इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया है मुंबई के एयरपोर्ट पर रवानगी से लेकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक कबीर खान ने फिल्म नहीं पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है जिसमें अदाकारों को फिट किया गया है हालांकि जिस चीज़ को पर्दे पर उतार रहे हैं वो इतना आसान नहीं था क्योंकि नई पीढ़ी के सामने 38 साल पुरानी यादें ताज़ा करनी थी फिल्म थिएटर को स्टेडियम में बदलना था डायरेक्टर से आगे कलाकारों की बात करें तो रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार में पूरी तरह से जान फूकने का काम किया है रणबीर सिंह फिल्मी हीरो हैं और कपिल देव मैदान के सबसे बड़े हीरो थे कपिल देव के बात करते हुए वी वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखने जाएंगे तो रणबीर सिंह की तारीफ़ बिल्कुल होगी बॉलिंग एक्शन क्रिकेट साथ की तुलना हो सकती है लेकिन सबसे बेस्ट आपका तब सामने आता है जब आप सबसे बारीक से बारीक चीज को पकड़ पाए गर्दन का झुकाना शर्माते हुए बोलना अंग्रेजी को लेकर दिक्कत और उसमें आने वाले पंच रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाला है रणबीर सिंह के बाद सबसे बेहतरीन काम एक फिर पंकज त्रिपाठी का ही है पी आर मान सिंह इस फिल्म और टीम के खिलाड़ियों के बीच वो धागा है जिसने क्रिकेट के मैदान और ड्रेसिंग रूम की दूरी को कम किया है पंकज त्रिपाठी की टाइमिंग गर्दन हिलाना और आंखों ने एक बार फिर जादू किया फिल्म और वर्ल्ड कप में पी आर मान सिंह का किरदार कितना ज़रूरी है वो इसी से समझा जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत और आखिर दोनों पी आर मान सिंह यानी पंकज त्रिपाठी से हो रही है फिल्म के बाकी खिलाड़ियों का किरदार निभाने के मामले में सबसे ज़्यादा साकिब सलीम उर्फ मोहिंदर अमरनाथ जनित सरना उर्फ यशपाल शर्मा जैसे स्टार्स को आगे रखा गया है साकििब सलीम अपने अंदर पंजाबी बोली लाने में हल्का सा पीछे रह जाते हैं लेकिन जनित सरना ने वो काम बखूबी किया है खिलाड़ियों में एमी विक्र ने बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभाया है लेकिन वो क्रिकेट फील्ड पर संधू को उतना निभा नहीं पाए हालांकि फील्ड के बाहर सबसे बेहतरीन कॉमिक पंच उनके पास ही हैं फिल्म में कपिल देव की वाइफ का किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है जो असल में रणबीर सिंह की वाइफ है दीपिका का किरदार काफ़ी छोटा है लेकिन जितने देर भी वह पर्दे पर होती हैं वो पूरा फिल्म ही है यानी उसे सिर्फ शामिल किया गया है ताकि फिल्म में हीरोइन की रस्म अदायगी कर जाए और कपिल देव की रियल लाइफ फैमिली की वैल्यू को वर्ल्ड कप से जोड़ा जाए खैर यह एक फिल्म है जो क्रिकेट इवेंट को लेकर बनी है ऐसे में फिल्म में भी क्रिकेट पूरी तरह हावी रहता है और उसे देखने वाले के लिए भी वही सबसे बड़ा बानस भी है लेकिन जैसा कि पहले कहा है कि कबीर खान अपनी कुछ घंटों की फिल्म में काफ़ी कुछ बता देना चाहते थे क्योंकि बताने को काफ़ी कुछ है भी तो उन्होंने हर चीज़ को मिक्स करने की कोशिश की है क्रिकेटिंग शार्ट रील और रियल फुटेज का बेहतरीन इस्तेमाल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खासकर विवियन रिचर्ड का स्वैग दिखाने में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी जो क्रिकेट फैन को तसल्ली भी देता है इसके अलावा अंग्रेजी अखबारों का लिखना कपिल गावस्कर के ताना तनी बीबीसी की हड़ताल समेत कई चीज़ों का शामिल किया गया है साल उन्नीस में मैं पैदा नहीं हुआ था फिल्म देखने वाली युवा पीढ़ी भी उसी लिस्ट में शामिल होगी ऐसे में थिएटर में इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस शानदार है क्योंकि यहाँ सब कुछ है क्रिकेट बॉलीवुड और देशभक्ति जिसका मसाला जब पर्दे पर उतरता है तो आपको हंसाता भी है और रुलाता भी है फिल्म देखते वक्त आपका क्रिकेट फैन आपके चरम पर होगा तब आप अदाकारी शॉर्ट कट सीन से अलग हटते हैं लेकिन ये एक फिल्म ही है लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त मेरी आंखें नम थी चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है आंखों की नमी को दुनिया ने देखा है लेकिन चेहरे की मुस्कान सिर्फ मेरी थी मेरा मास्क मेरी हंसी को छिपा रहा था उस हंसी में अड़तीस साल पुरानी जीत को पर्दे पर देख पाने का सुकून था जो क्रिकेट के फैन के लिए काफ़ी था बीते दो साल कोरोना से लड़कर गुजारने वाली तीन पीढ़ियों में से एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने रेडियो के आसपास झुंड बनाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है राह चलते पान की दुकान पर रुक स्कोर पूछा है क्रिकेट को दीवानों की तरह देखा जाता है और फिर जब मुंबई के बोबार्न स्टेडियम में विश्व विजेता क्रिकेट टीम के स्वागत में हुए कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने भारत विश्व विजेता गाया तो उनके कैसेट खरीदकर उसे सालों सुना गया ये वह पीढ़ी थी जिसने अपनी किशोरावस्था में ना मोबाइल देखा था न सोशल मीडिया और ना इंटरनेट और ना ही न्यूज चैनल तब समाचार मतलब आकाशवाड़ी या अखबार टेलीविजन मतलब दूरदर्शन और एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए भी ट्रंक काल की बुकिंग करानी होती थी फिल्म तिरासी उस दौर की कहानी है जब भारत भी क्रिकेट बस खेलता था जितना उसकी आदत में ही शुमार नहीं था क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों ने उन्नीस तिरासी वर्ल्ड कप जाने का प्लान भी इस तरह से बनाया था कि वापसी की टिकटें फाइनल से पहले ही बुक करा रखी थी और कुछ तो यही से अमेरिका घूमने की तैयारी में निकले थे फिल्म तिरासी क्रिकेट की अनिश्चितताओं की जीत है लेकिन उन्नीस तिरासी में इस देश में बहुत कुछ हुआ विदेश में कैटरीना कैफ भी हालांकि इसी साल जन्मी उनकी शादी हाल ही में बिकी कैसल से हुई लेकिन ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति रहते और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते इस देश का वह दौर भी आसान नहीं था और फिर उस कपिल देव की टीम ने क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया जिसे हरियाणा से मुंबई जाने पर फास्ट बॉलिंग करने पर सिर्फ दो रोटियाँ मिलती थी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में तारापोर सेवा भिड़े थे दिन की चार रोटियां अपने लिए करवाई और फिर जब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुने जाने की बारी आई तो रोजर बिन्नी और बलविंदर संधू के लिए सिलेक्टर से लड़कर जगह बनाई उस टीम में सुनील गावस्कर भी थे फिल्म तिरासी क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी पर बहुत शांत लेकिन ऐतिहासिक टिप्पणी है फिल्म देखकर पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या गवस्कर ने पूरी कोशिश की थी कि भारतीय टीम उन्नीस का वर्ल्ड कप ना जीते फिल्म तिरासी क्रिकेट के एहसासों की जीत है निर्देशक कबीर खान ने यह फिल्म वहां से शुरू की है जहां क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास वर्ल्ड कप खेलने का न्योता आता है और ख़त्म वहां की है जिसके बारे में पूरा देश और दुनिया के किसी भी कोने में बसा क्रिकेट प्रेमी भारतीय जानता है जिस कहानी का आदि और अंत पता हो उसके बीच के किस्से ही दर्शक का ध्यान बनाए रखने के लिए जरूरी हैं और फिल्म तिरासी यही करती है यह कपिल देव और टीम के तब के मैनेजर मान सिंह के नज़रिए से एक विजय यात्रा की कहानी है यह यात्रा तिरस्कार अपमान असहयोग और असहमति की यात्रा है और ये यात्रा आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता उदाहरण को सबक सिखाने और हर हाल में हिम्मत न हारने की भी कहानी है ये उस पागल इंसान की कहानी है जिसने पहले दिन से ठान रखा था कि वह इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने पहुंचा है फिल्म तिरासी इसकी लेखन टीम की जीत है कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान और वासना बला ने फिल्म मेहनत मशक्कत करके किसी तरह लिख भी ली होगी लेकिन इसे बनाना उससे मुश्किल काम रहा होगा और इसके लिए दो लोगों की खास तारीफ मैं यहाँ करना चाहूँगा एक निर्देशक कबीर खान और दूसरे इस कहानी के लिए कलाकार तलाशने वाले मुकेश छाबड़ा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ी तलाशने से लेकर विदेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों तक जिस तरह से मुकेश ने एक पारखी की तरह एक्टिंग की है उनके लिए वह इनाम के हकदार हैं और कबीर खान की तारीफ यहाँ करनी है उनके निर्देश की कौशल के लिए पर्दे पर जो कुछ भी खिलाड़ियों के आसपास या पीछे दिखता है उसका एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर पर तैयार किया गया है फिल्म की अधिकतर शूटिंग भारत में ही हुई है लेकिन कहीं से लगता नहीं कि जो कुछ हो रहा है वह वहाँ नहीं हो रहा जहाँ उन्नीस सौ तिरासी में असल में हुआ था फिल्म तिरासी इसकी कास्टिंग की जीत है और फिल्म तिरासी की कास्टिंग का नगीना है रणबीर सिंह रूप रंग तो खैर उन्होंने कपिल देव जैसा अपनाया ही है और इसके लिए उनका मेकअप और हेयर करने वालों को सौ में से सौ नंबर मिलने चाहिए लेकिन रणबीर सिंह को सौ में से दो सौ नंबर देने का मन करता है उनकी अदाकारी देखकर वह वाकई हिंदी सिनेमा के हीरो नंबर वन कहलाने लायक हैं बोलने का लहजा चलने का लहजा सब ठीक है लेकिन बॉलिंग करते समय सीम पर वैसी ही ग्रिप और दौड़ शुरू करते समय ठीक वैसी ही मुद्रा में दोनों हाथ रखना कमाल ही है पूरी फिल्म में आपको कहीं भी रणबीर सिंह नहीं दिखता जो पर्दे पर है वह कपिल देव ही है और रणबीर सिंह की इस अदाकारी को बल मिलता है जनी सारना साकििब सलीम जीवा एमी वीरब और हाड़ी संधू की कलाकारी से जनी सारना ने फिल्म में एशपाल शर्मा का वाकई बेहद खूबसूरत किरदार निभाया है फिल्म तिरासी इसकी कलाकारी की जीत है फिल्म तिरासी इसकी पोस्ट प्रोडक्शन टीम की भी जीत है हिंदी में बनी कम ही ऐसी फिल्में होंगी जिसमें असल फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में आकर पाती हैं ये फिल्म वैसी ही है अगर फिल्म वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी मिलने वाले दृश्य के बाद चलने वाली एंड कास्टिंग आप पूरी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कितने लोगों का पसीना बहा है फिल्म को आखिर तक देखिएगा भी ये वो लम्हे हैं जब वर्ल्ड कप के समय के ब्लैक एंड वाइट चित्र पर्दे पर चल रहे होते हैं कपिल देव बता रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वाली रात उन लोगों ने कैसे बेहिसाब सैम्पियन बहाई और कैसे किसी अनजान शख्स ने उनका बिल भी भर दिया और मान सिंह बताते हैं कि उस सपोर्ट जर्नलिस्ट के बारे में जिसने भारत को वर्ल्ड कप जीतने पर अपने शब्द खाने की बात सिर्फ नहीं कही बल्कि तो ऐसा होने पर महीने भर बाद उन्होंने ये किया भी अंतर क्रिकेट के खेल में शामिल इन्हीं भद्र पुरुषों की जीत है भारतीय टीम के पहली बार वर्ल्ड कप विजेता बनने की कहानी बयां करती फिल्म तिरासी पर विराट कोहली का रिएक्शन आया है उन्हें यह फिल्म बेहद पसंद आई है विराट ने फिल्म को देखने के बाद कहा है कि यह फिल्म आपको वर्ल्ड कप उन्नीस के उन यादगार लम्हों में डुबा देगी कोहली ने एक ट्वीट के जरिए इस फिल्म की तारीफ़ें की है उन्होंने लिखा है भारतीय क्रिकेट इतिहास के इस यादगार पलों को इतने बेहतर तरीके से दोबारा नहीं जी सकता था यह एक बेहद ही शानदार फिल्म है जो आपको उन्नीस वर्ल्ड कप और उनसे जुड़ी भावनाओं में डुबा देती है सभी कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है विराट कोहली ने अपने एक और ट्विटर में रणवीर सिंह की तारीफ की उन्होंने लिखा रणवीर सिंह का एक अलग ही लेवल देखने को मिला है सभी ने अच्छा काम किया है विराट कोहली ने इस पोस्ट में उन्नीस के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान को भी टैग किया है उन्नीस वर्ल्ड कप की कहानी पर बनी इस फिल्म में कपिल देव की भूमिका रणवीर सिंह ने निभाई है दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आ रही है इस फिल्म में कपिल देव की वह ऐतिहासिक पारी भी दिखाई देगी जिसका कोई भी वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं है उन्नीस में भारत जिम्बावे मैच के दौरान बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे ऐसे में उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी जब से दुनियादारी की समझ आने लगी लोगों को सिनेमा और क्रिकेट को पूछते देखा है इंडिया की कोई भी क्रिकेट सीरीज होती सड़कें खाली मिलती मार्केट में अपनी दुकान वालों को रोजी रोटी भूल रेडियो के इर्द गिर्द हजूम बनाते देखा है अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो मैच के बीच पानी पीने के लिए भी नहीं उठते थे कि कहीं इंडिया का कोई विकेट ना गिर जाए हमेशा यह सवाल रहता है कि हम भारतीयों के क्रिकेट का जुनून इतना क्यों है जबकि हमारा नेशनल स्पोर्ट भी नहीं है वजह थी हमारी पहली वर्ल्ड कप जीत जिसे हम में से ज़्यादातर ने नहीं देखा बस उसकी कहानियां ही सुनी हैं और फुटेज देखी हैं साल उन्नीस में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कहानी ऐसी थी जो हर शख्स तक पहुँचनी जरूरी थी उसी कहानी को कबीर खान ने बड़े पर्दे पर उतारा है एट्टी थ्री नाम की फिल्म के रूम में फिल्म कैसी है इस बार मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा फिल्म के उन पह... मैं बात करूंगा फिल्म के उन पहलुओं की जिन्होंने मेरे दिल के तार छुए जिन्होंने फिल्म को मेरे लिए एक यादगार अनुभव बताया अगर डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा आज मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में देखते तो डॉक्टर अस्थाना की क्लास में खड़े होकर एक सवाल ज़रूर पूछते ये देशभक्ति की फिल्म में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना जरूरी है क्या उनका यह सवाल गलत भी नहीं है गदर से लेकर हालिया फिल्में देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे भोज सत्य में जाते टू ये सारी फिल्में गैर जरूरी ढंग से चीखने चिल्लाने लगती हैं 83 दर्शाती है कि आपको अपना हीरोज बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे को बिलन बनाने की ज़रूरत नहीं है बिना बिलन का हीरो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा को अटपटा सा लगता है यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि एट्टी एक बिलन फ्री फिल्म है बस उनकी कोई शक्ल नहीं है यहाँ बिलन ओ अविश्वास है जो खिलाड़ियों पर उनका क्रिकेट बोर्ड दिखाता है बिलन है खिलाड़ियों के मन की वह शंका जो उन्हें खुद को नीचा आंकने पर मजबूर करती है बिलन है वो तमाम विपरीत परिस्थितियाँ जो नहीं चाहती कि ये टीम इंग्लैंड के मैदान पर कदम भी रखे फिल्म में ऐसे मोमेंट भरे हुए हैं जहाँ क्रिकेटर छाती कूट कूट कर देशभक्ति की दुहाई दे सकते थे गुस्सा उगल सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं मीडिया इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर अनरगल बातें छापती हैं टीम के खिलाड़ी उबल पड़ते हैं चाहते हैं कि कपिल देव एक मुँह तोड़ जवाब टाइप स्टेटमेंट रिलीज करे लेकिन कपिल ऐसा नहीं करते शांति से समझाते हैं कि जवाब देना है तो अपने गेम से देंगे इस सीन को आराम से हम और वो वाले फार्मेट में फिट किया जा सकता था लेकिन फिल्म ऐसा करती नहीं साल उन्नीस का वर्ल्ड कप हमारी हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जिस पर गर्व करना बनता है और यह फिल्म आपको सही मायने में करवाती है और यह फिल्म आपको सही मायने में करवाती भी है कुल मिलाकर अपनी देशभक्ति को बाजुओं पर पहनकर नहीं घूमती उनकी नुमाइश नहीं करती उसे अपने दिल में रखती है जहाँ उसे होना चाहिए एट्टी थ्री की कहानी तो है ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की कास्ट भी उस एक्सपीरियंस में प्लस वन करने का काम करती है सबसे पहले बात टीम के कप्तान की मुझे अक्सर रणबीर सिंह से शिकायत रहती थी कि उनका एक्टिंग स्टाइल काफ़ी लाउड है उनके एक्सप्रेशन अतिश्युप्त पोड़ लगते थे लेकिन एट्टी थ्री में उन्होंने अपना पूरा एक्टिंग गेम बदल के धर दिया है एक तो कपिल देव वाला एक्सेंट जिस पर से रणबीर किसी भी पॉइंट पर अपनी ग्रिप ढीली नहीं होने देते पूरी फिल्म में वह कंट्रोल में दिखाई देते हैं मन में गुस्सा है तो उनकी वो आंखों में नज़र आता है उनके हाथ बिना बात हवा को नहीं चीरते ये नियर परफेक्शन वाला सिलसिला सिर्फ रणबीर तक ही नहीं रुकता फिर वो मदर लाल बने हार्डी संधु हो या यशपाल शर्मा बने जनित सरना जिन्होंने यह छतरी तो नहीं खोली लेकिन ऐसा बल्ला चलाया है कि मजा आ जाएगा सभी खिलाड़ियों में से किसी एक को भी दूसरे से बेस्ट बता पाना मुमकिन नहीं ऐसी कास्टिंग हुई है यहाँ फिर भी मेरा पर्सनल बयान मुझसे एक एक्टर चुनने को मजबूर करता है कृष्ण चारी श्रीकांत बने जीवा श्रीकांत की किस्सा गोई स्किल्स कैसी है इसे एक नज़र में जानने के लिए आप कपिल शर्मा शो वाला एपिसोड देख सकते हैं जहां नाइनटीन वर्ल्ड कप के असली हीरोज शो पर आए थे जीवा को देखकर लगेगा कि वह बिना किसी एफर्ट के श्रीकांत की स्किन में कंफर्टेबल हो गए हैं फिल्म में से एक सीन का जिक्र करते हैं जहां इंडिया टीम एक हॉल में जमा है और श्रीकांत सेंटर स्टेज लेकर किस्सा सुना रहे हैं जिसकी एक झलक आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं उस सीन का माहौल हंसी खिलखिलाहट से शुरू होता है लेकिन फिर इमोशनल हो जाता है यह ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि आपको खटकता नहीं इस एक ही सीन में आप दो विपरीत भाव महसूस कर लेते हैं एट्टी थ्री क्रिकेट की कहानी है मैदान के बाहर उन क्रिकेटर्स की दुनिया कैसी है इसकी कहानी भी बयां करती है हरे मैदान पर जो कुछ घरता है और उसे कैसे फिल्माया है वो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है कहने को मामूली बात है लेकिन मैच टेलीकास्ट होते वक्त स्क्रीन पर आने वाले फांड को देखिएगा जिसे ओल्ड स्कूल पर रखा गया है साथ ही कैमरा शॉट्स भी वैसे यूज किए गए हैं जैसे उस दौरान मैच की रिकॉर्डिंग में अक्सर होते थे ये बातें नरेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती लेकिन फिल्म को आथेटिक फील देने का काम करती है एक और पॉइंट मोशन कराना जरूरी है मैच के दौरान आपको असली फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं फिर चाहे वो दिलीप वेंग सरकर की चोट हो या कपिल देव के छक्के हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर गिनती की अच्छी फिल्में बनी हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें बार बार लगान पर जाना पड़ता है ऐसे में एट्टी इंडियन क्रिकेट की स्पिरिट कैप्चर करने में कामयाब कोशिश साबित होती है ग्राउंड का एक्शन देख आप रोमांचित हो जाएंगे ग्राउंड के बाहर जो घटता है उसे देख आपका गला रूंग जाता है फिल्म की तमाम अच्छी बातों के साथ साथ यहाँ कुछ खामियाँ भी हैं लेकिन फिर भी फिल्म देखी जानी चाहिए दोस्तों हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं धर्म है इसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है देश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक में क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है यही वजह है कि बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में क्रिकेट पर आधारित हैं, जिनमें कई सुपरहिट रही इसी कड़ी में दिग्गज फिल्म मेकर कबीर खान की फिल्म तिरासी जिसमें रणबीर सिंह दीपिका पादकोड़ और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं, उनके साथ बोमन ईरानी ताहिर राजभिन जीवा साकिब सलीम जन सरना चिराग पाटिल दिनकर शर्मा निशांत दहिया हॉडि संधु साहिल खट्टर अम्मी विक्र आद्यनाथ कोठारे धारिकवा और आर बद्री जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं फिल्म एटी थ्री की कहानी साल उन्नीस में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर आधारित है जिसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अभिनेता रणबीर सिंह तो उनकी पत्नी रोमी भाटिया के किरदार में अभिनेत्री दीपिका पादकोड़ हैं यह रणबीर सिंह की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है जिसे हिंदी के साथ तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज किया जा रहा है फिल्म की रिलीज से पहले ही प्रेस शो आयोजित किया गया जिसमें शामिल फिल्म समीक्षकों ने बहुत ही सकारात्मक समीक्षा दी है सभी का एक सुर में मानना है कि फिल्म देर से रिलीज हुई लेकिन दुरुस्त है फिल्म इमोशन जोश और जज्बे से भरी हुई है इसमें अपने दमदार अभिनय के लिए अभिनेता रणवीर सिंह ने समा बांध दिया है वो आप स्क्रीन चाहे जितना नॉन सीरियस देखते हों लेकिन पर्दे पर उनकी छप जुदा रखती है अपने मूल स्वभाव से विपरीत भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के धीर गंभीर और जिम्मेदारी से भरे किरदार अपने बेहतरीन अभिनय से जान डालकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर तय का रोल सफलतापूर्वक कर सकते हैं बहुत कम स्क्रीन स्पेस इस मिलने के बावजूद अभिनेत्री दीपिका पादकोण ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है रणवीर दीपिका की रियल लाइफ केमिस्ट्री रील पर भी परफेक्ट दिखती है पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह शानदार काम किया है इसके साथ ही टीम इंडिया के दूसरे अहम सदस्यों जैसे फारूक इंजीनियर के किरदार में बोमन ईरानी सुनील कावस्कर के किरदार में ताहिर भसीन यशपाल के किरदार में जनित सरना मदन लाल के किरदार में हाड़ी संधु बलविंदर संधु के किरदार में एम ई विक्र श्रीकांत के किरदार में तमिल एक्टर जीवा महेंद्र अमरनाथ के किरदार में साकिब सलीम ने अपना सौ दिया है सबसे बड़ी बात कि ये सभी कलाकार केवल अभिनय ही नहीं बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस और चेहरे से भी टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों के हूबहू प्रतिरूप लग रहे हैं जिन्होंने उन्नीस में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था मशहूर फिल्म समीक्षक तरल आदर्श ने फिल्म तिरासी को पाँच में से चार स्टार देते हुए बिनर बताया उनकी माने तो इस फिल्म को उन सभी को जरूर देखना चाहिए जिन्होंने इतिहास को बनते हुए देखा था दोनों की तरह लोग ये फिल्म देखकर रोमांचित हो उठेंगे बॉलीवुड हंगामा के लिए आदर्श ने लिखा है पर्दे पर भारतीय क्रिकेट के उन ऐतिहासिक जीत को दर्शाना कठिन काम है उससे भी तब ज्यादा कठिन हो जाता है जब ये ऐतिहासिक जीत कई दशकों पहले हुई हो सटीक तथ्यों और कहानी के अलावा कहानीकार को उस युग को फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत होती है इसके साथ इन किरदारों के साथ भी न्याय करना पड़ता है उन्होंने जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है इन सभी पैमानों पर निर्देशक कबीर खान खड़े उतरे हैं दर्शक फिल्म देखते हुए उस पल को जीते हैं कबीर खान का निर्देशन बेहद शानदार है एट्टी थ्री एक कठिन फिल्म है और में अभिनेताओं की उपस्थिति के बावजूद यह सपोर्ट ड्रामा का निष्पादन कमतर होता तो फिल्म उतनी प्रभावशाली नहीं होती कबीर अपना सबसे साथ देते हैं दूसरे और तीसरे एक्ट में बाजी मार ले जाते हैं इसे दर्शक थिएटर से बाहर निकलने के साथ याद के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं वह कुशलता के पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम तक ड्रामा इमोशन और कॉमेडी को संतुलित करते हैं इस फिल्म में म्यूजिक का ज्यादा स्कोप नहीं है फिल्म का एक गाना जो आपके होठों पर रह जाता है वो है लहरा दो बैकग्राउंड स्कोर प्रभावी है कैमरा फिल्म के मूड को सटीकता के साथ कैप्चर करता है कलाकारों की भरमार है लेकिन सभी ने अपना किरदार ईमानदारी से निभाया है फिल्म के लीड एक्टर रणबीर सिंह भी सबसे शानदार हैं बॉलीवुड लाइफ के लिए रसल डी सिल्वा ने लिखा है फिल्म ख़त्म होने के बाद जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके दिमाग में इसके सीन ही चलेंगे फिल्म में कबीर खान का डायरेक्शन मास्टर क्लास है यकीन मानिए इस फिल्म के सोच के दौरान सभी सिनेमा हॉल स्टेडियम बन जाएंगे हालांकि डायरेक्शन तभी सफल होता है जब उसकी कास्ट भी कमाल की परफॉर्मेंस देती है इस फिल्म में रणबीर सिंह ने वही कमाल किया है उन्होंने केवल अभिनय ही नहीं, नहीं बल्कि दिग्गज क्रिएटर कपिल देव के किरदार को जिया है सच में कह तो पूरी की पूरी कास्ट ही शानदार है फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एडिटर जिनित वैद्य ने भी अच्छा काम कर दिखाया है फिल्म ऐसी है कि आप तालियां बजाने खुशी से उछलने और आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे फिल्म आपको नस्टैलजिया में ले जाती है कोई मोई के लिए उमेश पनवानी ने लिखा है साल उन्नीस में मिली उन ऐतिहासिक जीत की कहानी बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फिल्म तिरासी देखने के बाद उस जीत के इमोशन को महसूस किया जा सकता है फिल्म के निर्देशक कबीर खान ने संजय पूरन सिंह चौहान वासना वला के साथ एक ऐसी कहानी लिखी है जो उस ऐतिहासिक पल के गवाह न बन पाने वाले लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है कबीर खान के सबसे भरोसेमंद सिनेमाटोग्राफर आसिम मिश्रा ने अपने कैमरे से रिक्रिएट की गई घटनाओं को कैद किया है लेकिन कैमरे की कलाकारी कहे आसिम का कमाल हर सीन वास्तविक लगता है एडिटर जिनी बाद ने फिल्म को दो घंटे चालीस मिनट के टाइम फ्रेम में समेट लिया है लेकिन इस वक्त में भी रोमांस बरकरार रहता है कपिल देव के किरदार में रणबीर सिंह ने कमाल का काम किया है उन्होंने अपने अभिनय की चमक से उन सभी कलाकारों को भी रोशन किया जिनको दर्शक कम जानते हैं कुल मिलाकर एट्टी थ्री एक बेहतरीन फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए दोस्तों मीडिया की दुनिया में कहा जाता है कि तीन सी लोगों का हमेशा ध्यान खींचते हैं ये है क्रिकेट सिनेमा और क्राइम निर्देशक कबीर खान की रणबीर सिंह स्टारर फिल्म एट्टी क्रिकेट और सिनेमा का एक जबरदस्त कम्बिनेशन लेकर आई है क्रिकेट पर यूँ तो कई बॉलीवुड फिल्में बनी हैं लेकिन एट्टी थ्री ने साबित कर दिया है कि इस जॉनर में अभी काफ़ी स्कोप है निर्देशक कबीर खान इससे पहले भी कई भावात्मक कहानी पर्दे पर बया कर चुके हैं लेकिन 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप देश में लाने वाली टीम की इस कहानी को बया कर कबीर खान ने अपने ताज में एक और हीरा जोड़ लिया है अगर आप लंबे समय से सिनेमाघर में लौटने के लिए किसी अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो एट्टी पर आपकी खोज जरूर खत्म होगी यह कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के उन दौर की जब यह टीम सिर्फ हारने के लिए जानी जाती थी 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप के दौरान दुनिया तो छोड़ी है खुद अपने देश के लोगों ने यह नहीं सोचा था कि यह टीम विश्व कप में कहीं खड़ी हो पाएगी उस दौर में तीन बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराकर क्रिकेट विश्व को भारत लाने का पहला कारनामा किया था कप्तान कपिल देव और उनकी टीम ने इस अंडर डार्क टीम के विजेता बनने की कहानी है सिनेमा का असली काम मनोरंजन करना होता है और ऐसी कोई फिल्म जिसकी कहानी आपको पता हो जिसका क्लाइमैक्स आपको पता हो उसमें सस्पेंस वाला फैक्टर नहीं होता ऐसे में ऐसी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है सब कुछ पता होने के बाद भी दर्शकों को कुर्सी पर चिपका कर रखना और निर्देशक कबीर खान की यह फिल्म यही कमाल बाखूबी कर रही है फिल्म में ज़बरदस्त इमोशन है जो आपको भी कभी दुख के तो कभी गर्व के आंसू महसूस करने पर मजबूर कर देंगे इस फिल्म में हीरो के तौर पर भले ही रणबीर सिंह हो लेकिन यह कहानी सिर्फ रणबीर सिंह की ही नहीं बल्कि उस पूरी टीम की है फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये ना तो सिर्फ क्रिकेट दिखाती है और ना ही सिर्फ इमोशनल ड्रामा पर फोकस करती है बल्कि इसमें सब कुछ बिल्कुल सटीक मात्रा में है कहीं भी डायलॉग के जरिए जीत के लिए मोटिवेशनल स्पीच या ओनली कैप्टन द इज हीरो जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है बीच बीच में कुछ सीन में असली मैच की क्लिपिंग भी दिखाई गई है जो आपको बार बार एहसास दिला देती है कि आप असल में नाइनटीन एटी थ्रा का विश्व कप मैच देख रहे हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेट कपिल देव के किरदार में नजर आए हैं एक्टिंग की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म में क्रिकेटर कपिल देव के किरदार में नज़र आए हैं लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही आप भूल जाएंगे कि आप रणवीर सिंह को पर्दे पर देख रहे हैं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रणवीर ने एटी में एक्टिंग का कितना ज़बरदस्त शॉट मारा है रणबीर ने कपिल देव की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका डिक्शन उनका स्टाइल सब कुछ अपने अंदर से मिट लिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दौर के सबसे बेहतरीन स्टार्स में से एक हैं लेकिन ये सब रणबीर ने सिर्फ अकेले ही नहीं किया है बल्कि उनकी टीम ने भी उनका पूरा साथ दिया है ताहिर राज भसीन साकििब सलीम चन्न सारना जीवा एमी ई विक्र हाड़ी संधु जिस भी फ्रेम में नजर आए हैं शानदार रहे हैं वह टीम मैनेजर पी आर मानसिंह बने पंकज त्रिपाठी फिल्म में शानदार रहे हैं उनका स्क्रीन पर होना ही आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा देविका पादकोट सेकंड हाफ में एंट्री करती हैं लेकिन जिस भी सीन में वह नज़र आई हैं बेहद खूबसूरत लगी हैं फिल्म का संगीत इसकी गद को बढ़ाने में और भी सहयोग देता है यह कहानी बहुत कुछ दिखाती है और अगर आप भी मेरी तरह उनमें से एक हैं जिन्होंने 1983 में भारत के विश्व विजेता बनने की कहानी सिर्फ सुनी है और उसे जिया नहीं है ये यकीन मानिए कि फ़िल्म आपको फिर से वो पर जीने का मौका देगी मेरी तरफ़ से इस फिल्म को चार स्टार की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू न्यूज एटीन हिंदी सिनेमा के मुख्य कार्य हैं दर्शकों का मनोरंजन करना और कोई सामाजिक संदेश देना यदि आप सिनेमा को सिर्फ इतिहास समझने या कोई महत्वपूर्ण सीख लेने के लिए देख रहे हैं तो आप गलत जगह हैं आपका रास्ता पुस्तकालय की ओर जाता है 1983 में जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप तब पूरे भारतवर्ष के लिए भारतीय इतिहास के कुछ गौरवशाली पलों में से एक था और कबीर खान के निर्देशन में आप उन पलों को फिर से जी सकते हैं क्रिकेट एक टीम गेम है और इस फिल्म की सफलता भी सिर्फ रणबीर और देविका की ना होकर इस फिल्म से जुड़े पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है फिल्म का पहला दृश्य आपको उस ऐतिहासिक दिन की झलक दिखाता है शुरुआत में आपका ध्यान फिल्म के कलाकारों को पहचानने की ओर ज़्यादा रहेगा फिल्म की कास्ट बेहतरीन है और कलाकारों की इस पूरी टीम में पहले से मशहूर लोकप्रिय खेल हस्तियों का चेहरा बन बड़े पर्दे पर उनकी परछाई के रूप में खुद को भी अमर कर दिया है मोहिंदर अमरनाथ नेता गुप्ता का फिल्म से जुड़ना ऐतिहासिक है तो रणबीर सिंह से लेकर एमी बिक्रम ने एट्टी से जुड़े हर शख्स का परफेक्ट चेहरा बना कबीर खान ने झंडे गाड़ दिए हैं मेकअप टीम के बिना यह सब असंभव था बड़े पर्दे पर रणबीर को कपिल देव जैसा लुक देना हो या दीपिका को हो बहु रेमी देव बना देना इस टीम का काम काबिले तारीफ रहा अभिनय पर बात कर ली जाए तो कपिल देव का व्यवहार रणबीर वैसा ही निभाते हैं जैसे कपिल हैं अभ्यास मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन इसकी बनगी भर है दीपिका के पास जितना अभिनय करने के लिए था उन्होंने अच्छा किया मानसिक बने पंकज त्रिपाठी गावस्कर बने ताहिर भसीन श्रीकांत बने जीवा संधु बने एमी बिक्रे सहित और अन्य सितारों ने अपना बेहतरीन अभिनय दिया है यशपाल शर्मा बने जनित सरना भी विशेष रूप से प्रभावित करते हैं फिल्म की कहानी वह सब दिखाती आगे बढ़ती है जैसे उस काल में क्रिकेट हुआ करता था फिर चाहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के रुतबे को दिखाना हो या भारतीय टीम के लिए सुविधाओं का अभाव फिल्म में सुनील गावस्कर और कपिल के रिश्तों पर भी प्रकाश डाला गया है सचिन के सचिन बनने की शुरुआत भी यहाँ दिखती है इंटरवल के बाद फिल्म हर क्षेत्र में बेहतरीन बन जाती है फिर चाहे वह पटकथा के मामले में हो या संगीत के फिल्म की पटकथा खूबसूरती से यह एहसास कराती है कि अतीत के पन्नों को पर्दे पर उतार दिया गया है फिल्म में त्रुटियाँ खोजने पर भी नहीं मिलती वन खेड़े की टैक्सी वाले किस्से का अधूरा न छूटना इसका सबूत है रेडियो पर कमेंट्री सुनना टीवी एंटीना का हिलाना डेविड फ्रिथ का हिस्सा और बॉर्डर पर गोलीबारी सब कुछ ध्यान रख चुन चुन कर फिल्म में लाया गया है टीम बस में बैकग्राउंड पर बजता गाना हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए दर्शकों को उन्नीस में ही लेकर चले जाता है फिल्म के अंतिम पलों में बैकग्राउंड संगीत ने तो कमाल ही कर दिया लहरा दो गीत चक देवाला कमाल दोहरा सकता है फिल्म के कुछ दृश्य बेहतरीन है जैसे मार्शल वेंगसार का आमना सामना कपिल के शॉट पर ड्रेसिंग रूप का शीशा टूटने वाला दृश्य सिनेमाघर पर दर्शकों की सीटी बजवा देगा तो श्रीकांत का पार्टी में बोलना सबको भावुक कर देगा फिल्म के संवाद में अतीत के वो संवाद भी शामिल हैं जो मिसाल बन गए थे अब कुछ बेहतरीन संवाद जोड़ उस याद को दिल के और करीब पहुँचा दिया गया है जैसे कपिल का इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते कपिल का, का संधु को प्रोत्साहित करने वाला पूरा संवाद फिल्म खत्म होते होते भी कपिल की जुबानी कुछ किस्से सुना दर्शकों को उनकी सटीक से बांध दिया गया और यह साबित करता है कि 83 भारतीय फिल्म इतिहास के कुछ याद रखे जाने वाले फिल्मों के क्लब में शामिल हो चुकी है फिल्म एक बोर्ड कारण से परफेक्ट रेटिंग नहीं ले पाई वह है इसका विषय फिल्म सिर्फ उन दर्शकों के लिए है जिन्हें क्रिकेट से लगाव है या कभी रहा होगा फिल्म 83 का टीजर आ गया था इसका टीजर सामने आया तो इसे खूब पसंद किया गया इसमें एक गेंदबाज को दौड़ते हुए दिखाया गया और एक बल्लेबाज साठ मारता है इसके बाद रणबीर सिंह गेंद को कैच करने के लिए दौड़ रहे हैं गेंद कैच होती है या नहीं इससे पहले टीजर खत्म हो जाता है इस टीजर को वाह वाहि तो खो मिल रही थी पर क्या आपको पता है कि यह टीजर किस घटना का था आप जानते ही हैं कि यह फिल्म भारतीय टीम की 83 थ्री विश्व कप जीत पर बनी है रणबीर इसमें टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं इस विश्व कप में कोई भी भारतीय टीम को खास अहमियत नहीं दे रहा था लेकिन आखिर में उसमें से दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हरा कर खिताब पर कब्जा किया था इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया क्रिकेट जन जन की पसंद बन गया भारतीय टीम पहली बार विश्व विजेता बनी और कितने ही लोगों ने इस खेल को अपनाने की सोची तो चलिए बात करते हैं इस टीजर की यह टीजर उस वास्तविक घटना को दिखा रहा है जब भारत और वेस्टइंडीज में लॉर्ड्स और मैदान पर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था भारत में महज एक रन बनाए गए थे और जवाब में वेस्टइंडीज मजबूत नजर आ रही थी बीबीएन रिचर्ड ने सत्तीस गेंद पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे वह अपनी पारी में सात चौके लगा चुके थे रिचर्ड ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी भारतीय कप्तान कपिल देव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह गेंदबाजी किसे सौंपे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका नतीजा इस टीचर में दिख रहा है मदन लाल तीन ओवर में इक्कीस रन दे चुके थे कपिल हाथ में गेंद पकड़कर खड़े थे और सोच रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए तभी मदन लाल आते हैं और उनके हाथ से गेंद लेकर चले जाते हैं कुछ समझने और कहने का वक्त नहीं मिलता मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड शार्ट खेलने की कोशिश करते हैं गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आती वह हवा में ऊंची जाती है कपिल को एक शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज होने के साथ साथ एक कमाल के फील्डर भी थे जो दौड़ लगानी शुरू की गेंद उनके कंधे के ऊपर से जा रही थी कपिल लगातार दौड़ रहे थे अब टीजर में तो नहीं दिखाया गया कि कैच हुआ या नहीं लेकिन असल में कैच हुआ था और शानदार कैच हुआ था इस कैच के बाद अजय समझे जाने वाले वेस्ट इंडीज की टीम पटरी से उतर गई एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने तीन तीन विकेट लिए वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 140 पर आउट हो गई लॉर्ड्स की बालकनी में कपिल प्रोड्यूसर कब कप थामे खड़े थे और यह तस्वीर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई लेकिन फाइनल में इसकी शुरुआत मदन लाल की उस गेंद रिचर्ड के उस शॉट और कपिल देव के दे और कपिल देव के उस बाकमाल से कैच हुई थी पच्चीस जून उन्नीस की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है जब हर देशवासी का सिर गर्भ से ऊंचा था और आंखें नम थी बेहद कमज़ोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज़ को तैतालीस रन से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच की कप्तानी कपिल देव के कंधों पर थी उस दौर के लोग जानते हैं कि कैसे इन मुकाम को हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने न केवल पसीना बल्कि खून तक बहाया था निर्देशक कबीर खान ने इसी रोमांचक जीत की कहानी को पर्दे पर उतारने का, का काम किया है और यह कहने में गुरेज नहीं कि कबीर खान इन काम में कामयाब हो गए हैं जब दर्शक देखते हैं कि वर्ल्ड कप की जीत में खून का कतरा तक बहा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं रणबीर सिंह और दीविका पादुकोण स्टारर फिल्म एट्टी थ्री रिलीज होने वाली थी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित इस मूवी को लेकर दर्शकों में अभी से बेकरारी नजर आ रही थी इस फिल्म में साल 1983 में भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की और क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीतने के सुनहरे पल को दिखाया गया है फिल्म 83 थ्री रणबीर सिंह और दीपका पातकौड़ की शादी के बाद पहली ऑन स्क्रीन मूवी होगी जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे जिसमें रणबीर कपिल देव की भूमिका में नजर आए हैं जबकि दीपिका पातकोड़ उनकी पत्नी रोमी भाटिया के रोल में हैं कबीर खान के निर्देशन में बनी एटी थ्री में रणवीर सिंह और दीपिका पादकोड़ के अलावा पंकज त्रिपाठी अम्मी विक्र साब सलीम हाड़ी संधु बोमन ईरानी साहिल खट्टर अमृतापुरी ताहिर राज भसीन और निशान दहिया भारतीय क्रिकेट टीम के अन्य सदस्य और मैनेजर की भूमिका में हैं फिल्म एट्टी थ्री इसलिए खास है क्योंकि इसमें देशभक्ति है इसमें क्रिकेट है इसमें भावनाओं का जुड़ाव है 1983 की टीम वास्तव में भारत भर की क्रिकेट प्रतिभाओं का एक सम्मेलन थी जो आखिरी गेंद तक लड़ना चाहती थी विश्व कप जीतने के लिए कुछ ऐसा करो जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं किया गया लोग उस इतिहास को फिर से देखना चाहते हैं जो प्रतिनिष्ठ कप्तान कपिल देव द्वारा बनाया गया था जब भारत में 1983 में इंग्लैंड में विश्व कप फाइनल में शक्तिशाली बैंडीज को हराया था अगर आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप कई ऐसे इमोशनल मोड़ आएंगे जो आपकी आंखें नम कर देंगे ऐसी घटनाएं हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं जो स्ट्रांग पॉइंट हैं उनमें से एक है रिसर्च ऐसा लगता है कि हर मैच को बार बार देखा गया है और हर सीन को फिल्माने से पहले मैच के वीडियोज़ देखे गए हैं वही हर किरदार में कलाकार जिस तरह ढले हैं उससे साफ जाहिर है क्रिएटिव टीम ने जबरदस्त होमवर्क किया है सीन ऐसे रचे गए हैं कि सभी 11 प्लेयर्स को पूरी अहमियत मिली है फारूक इंजीनियर के रोल में बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में पंकज त्रिपाठी गावस्कर के रोल में ताहिर भसीन श्रीकांत के रोल में तमिल एक्ट क्टर जीवा महेंद्र अमरनाथ के रोल में साकििब सलीम यशपाल के रोल में जनित सारना मदन लाल के रोल में हाडी संधू बलविंदर संधू के रोल में एमी विक्रम ने अपना शौ प्रतिशत दिया है रणबीर ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि उनका कोई तोड़ नहीं है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की वो पारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था भारतीय टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह के रोल में पंकज त्रिपाठी छा गए हैं पंकज त्रिपाठी का हैदराबादी एक्सेंट जबरदस्त है यह फिल्म उस वक्त के खिलाड़ियों की, की तबीयत उनकी मशहरी उनके इमोशनल एंगल उनके संघर्षों की कहानियाँ दिखाती है यह फिल्म बताती है कि किन परिस्थितियों में और संसाधनों के अभाव में कैसे भारतीय टीम ने वो करिश्मा किया था जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी 83 वो फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जाना चाहिए 1983 से पहले पैदा हुए लोगों की यादें ताज़ा होंगी तो इसके बाद पैदा हुए लोग भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम विजय को साक्षी बन सकेंगे फिल्म के गाने जोश भरने का काम करते हैं दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर देवता डायरेक्टर कबीर खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो उन्नीस की विश्व कप जीत को फिल्मी पर्दे पर कैसे दिखाते हैं सिर्फ कबीर खान ही नहीं रणबीर सिंह के लिए भी कपिल देव की भूमिका निभाना कितना कठिन रहा होगा और वो इसे दर्शकों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए ये तो आपको फिल्म देखकर पता ही चल जाएगा ये तो आपको फिल्म देखकर पता चल ही जाएगा फिलहाल इसकी छोटी मोटी कहानी और किरदारों के बारे में हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहते हैं फिल्म का प्लॉट प्लॉट लाइन को देखें तो फिल्म तिरासी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है यह एक ऐसी फिल्म है जो उन्नीस सौ तिरासी के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के इतिहास की कहानी बयां करती है वैसे तो इसके इतिहास पर कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन फिल्म को आकर्षक और देखने लायक जो चीज़ें इसमें बनती हैं वो हैं इसके किरदार और खिलाड़ियों के जीवन की छोटी छोटी कहानियाँ टीम इंडिया के लिए यह जीत वाकई अभी थी क्योंकि लॉर्डेस में टीम को एंट्री की इजाजत तक नहीं थी और टीम की भारत वापसी की टिकटे सेमीफाइनल से पहले ही बुक हो चुकी थी अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो फिल्म कई हिस्सों में से आपको इमोशनल भी करेगी जहां आप आंसू रोक नहीं पाएंगे अड़तीस साल पुरानी जीत को कर सकेंगे महसूस पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाए गए कोच पी आर मान सिंह के साथ कपिल का, का मजाक हो या सुनील गवस्कर यानी ताहिर राज भसीन के साथ उनके तनावपूर्ण क्षण हर एक दृश्य आपको वापस उन्हीं क्षणों में ले जाएगा जिस दौरान भारतीय टीम इसे जी रही थी फिल्म देखने के दौरान आपको एहसास होगा कि आप इस जीत को 38 साल बाद सिनेमाघरों में एक कहानी के जरिए फिर से महसूस कर रहे हैं कैसी है कास्टिंग फिल्म का सबसे मुश्किल किस्सा बेशक इसकी एक्टिंग रही होगी कपिल देव के किरदार में नज़र आए रणवीर सिंह अपने किरदार में पूरी तरह से खोए नज़र आए हैं अगर इस फिल्म को पूरी तरह से उनकी फिल्म कहा जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है फारूक इंजीनियर के रोल में नज़र आए बोमन ईरानी मैनेजर के रोल में नज़र आए पंकज त्रिपाठी और गावस्कर के रोल में ताहिर भसीन यशपाल के रोल में जनित सरना मदन लाल के रोल में हार्दिक संधू और बलविंदर संधू के रोल में एमी बिक्र काफ़ी सही चॉइस थी हालांकि कपिल देव की पत्नी के किरदार में नज़र आई दीपिका पातकोड़ कुछ खास अच्छी नहीं लगी दीपिका का रोल फिल्म में बस हीरोइन की रस्म अदायगी करने के लिए रखा गया था कुल मिलाकर फिल्म उन लोगों के लिए उन खट्टे मीठे और सुखद पलों का एक जरिया है जो उन्नीस में मौजूद तो नहीं थे लेकिन आप फिल्म देखकर उस पल को महसूस जरूर कर सकते हैं फिल्म आपको हंसाने के साथ कुछ मोमेंट पर रुलाएगी भी और हो सकता है आपका क्रिकेट प्रेम भी जाग जाए अड़तीस साल पुरानी जीत की खुशी को पर्दे पर देखने का जो सुकून था वो शायद आपको शब्दों में बता पाऊँ सन उन्नीस के विश्व कप क्रिकेट में हिस्सा लेने गई भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव को छोड़ दिया जाए तो टीम के अन्य खिलाड़ियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे कप उठाएंगे कोई खिलाड़ी सर सपाटे पर गया था तो कोई हनी मून मनाने आखिरकार कपिल का विश्वास रंग लाया और भारतीय टीम चैंपियन बनी उस पत्रकार को अखबार खाना पड़ा जिसने लिखा था कि यदि टीम इंडिया विजेता बनी तो वह अपने शब्द वापस लेगा इस जीत ने भारत में क्रिकेट की तस्वीर बदल दी भारतीय क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 83 के पहले और 83 के बाद का अध्याय होगा इस जीत से भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और आज करोड़ों भारतीयों की रगों में क्रिकेट बहता है उन्नीस में टीम किस तरह से चैंपियन बनी उस स्वर्णिम यात्रा को निर्देशक कबीर खान ने एट्टी में स्क्रीन पर उतारा है जिन लोगों ने 1983 में टीम को विश्व कप जीतते देखा है उन्हें इस फिल्म के जरिए दोबारा लम्हों को जीने का अवसर मिलेगा और जिन्होंने बड़ों से किस्से सुन रखे हैं उन्हें याद देखने को मिलेगा फिल्म शुरू होती है 83 फाइनल के उस ऐतिहासिक कैच से जो कपिल देव ने 25 गज पीछे की ओर भागते हुए पकड़ा था जिसने भारत की जीत लगभग तय कर दी थी यह पहला सीन ही दर्शकों को जगड़ देता है और वह आगे के लम्हे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके बाद सीन दर सीन आते जाते हैं आप रोमांचित होते हैं गर्भ से सीना फूल जाता है मनोरंजन होता है ठहाके लगते हैं तो कई बार आंखें नम हो जाती हैं 1983 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के निमंत्रण मिलने से लेकर कप जीतने तक की गाथा को फिल्म में दर्शाया गया है यह फिल्म उस जीत का सेलिब्रेशन है युवा वर्ग को फिल्म देखते समय आश्चर्य हो सकता है कि आज अरबों रुपये कमाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के क्या हाल थे कमाई कम होने के कारण बलबिंदर संधू की सगाई टूट गई थी पैसे बचाने के लिए कप्तान कपिल देव खुद कपड़े धोते थे सुनील गावस्कर को घर चलाने के लिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ती थी फिल्म में विश्व कप के वो तमाम मैच दिखाए गए हैं जिन्हें खेलते हुए भारत विजेता बना खिलाड़ियों की आपसी नोकझोंक तो मनोरंजन ही है प्रेम ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जाती है और दर्शाती है कि किस तरह से खिलाड़ियों ने खुद को मैच दर मैच तैयार किया यकीन हासिल किया और फिर कमाल कर दिखाया कपिल देव के दृढ़ व्यक्तित्व को 83 उभारती है एक ऐसा शख्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता था जिसका अंग्रेजी में हाथ तंग था टीम के खिलाड़ी कपिल की अंग्रेजी पर हंसते थे पत्रकार मजाक बनाते थे उनकी टीम की हंसी उड़ाई जाती थी लेकिन वह इरादों का पक्का था इन बातों का जवाब वह अपने खेल से देना जानता था फिल्म में यूँ तो कई रोमांचक क्षण हैं जो आपको अंदर बैठे क्रिकेट प्रेमी आनंदित करते हैं लेकिन कपिल देव की जिम्बावे के खिलाफ एक रनों की पारी हिला देती है सत्रह रनों के अंदर पांच विकेट गिराने के बाद कपिल ने एक रन बना डाले और टीम को जिता दिया यही वो डाइनिंग थी जिसने टीम के खिलाड़ियों के अंदर विश्वास पैदा किया की यदि कप्तान जान लगा रहा है तो हमें भी कुछ कर दिखाना चाहिए यह वो इनिंग थी जिसने देशों की सीमाएं तोड़ दी थी हर क्रिकेट प्रेमी ने इसकी तारीफ की इस इनिंग ने भारत में लाखों युवाओं को कपिल बनने के लिए प्रेरित किया इस डाइनिंग के बाद जब कपिल पैवेलियन लौटते हैं तो गावस्कर मैदान में पानी का गिलास लिए उनकी ओर भागते हैं ये कमाल का सीन है जो इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की बॉन्डिंग को दिखाता है फिल्म में ऐसे कई प्रसंग हैं जो दिल को छूते हैं खिलाड़ियों का मुफ्त का खाना ढूंढना हाई कमीशन की पार्टी में श्रीकांत का कपिल की तारीफ करना बस में टीम मीटिंग और बैकग्राउंड में प्ले होता है एक दूसरे के लिए का गाना आई डोंट टू नो हॉट यू से इन दृश्यों को देखकर दर्शकों के अंदर भावनाएं उमड़ने लगती हैं कबीर खान एंड टीम के लिए यह फिल्म बनाना आसान नहीं रहा होगा सभी एक्टर हैं और उन्हें दिग्गज खिलाड़ी की तरह खेलते हुए दिखाने के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है भारत के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी उनकी तरह दिखने वाले एक्टर जुटाए गए हैं रियल लोकेशन पर शूटिंग की गई चाहे वो लॉर्ड्स की बालकनी हो या ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों के चमत्कारिक लम्हों को हू बहू कापी किया गया है चाहे वो कपिल के नटराज मुद्रा में लगाए गए शार्ट्स हों या दिलीप गोवस्कर को मार्शल का बाउंसर चेहरे पर लगा हो निर्देशक के रूप में कबीर खान प्रभावित करते हैं उन्हें उन दर्शकों का भी ध्यान रखना था जो क्रिकेट ज़्यादा समझते नहीं हैं इसलिए मैच के बीच में उन्होंने मनोरंजक लम्हे रखे हैं उनसे एक शिकायत इस बात की रहती है कि उन्होंने फिल्म को इस तरह बनाया है मानो हर दर्शक उस दौर के क्रिकेट से परिचित हो उस विश्व कप का क्या फॉर्मेट था कितने ओवर के मैचेस थे इस तरह की बातों को आसानी से समझाया जाता तो फिल्म की पहुँच बढ़ती दर्शकों से यह फिल्म अपेक्षा करती है कि उन्हें थोड़ा क्रिकेट का ज्ञान भी हो यदि आप लाला अमरनाथ वनखेड़े विच रिचर्ड फारूक इंजीनियर जैसे नामों से परिचित हों तो आपको फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे भी इस फिल्म के लिए आपका क्रिकेट प्रेमी होना ज़रूरी है फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है क्रिकेट के दृश्य देखने में उम्दा लगते हैं कहीं भी देख ये नहीं लगता कि एक्टिंग हो रही है सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म का मजबूत पक्ष है फिल्म में दो तीन गाने हैं जिनके बोल अर्थपूर्ण हैं और यह कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं एट्टी थ्री रणबीर सिंह के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाएगी कहीं रणबीर सिंह नजर आता है कहीं कपिल देव ही नज़र आते हैं कपिल को पूरी तरह से उन्होंने अपने में आत्मसात कर लिया है कपिल के बोलने की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर पर्दे पर, पर उतारा है उनके लुक पर जो मेहनत की गई है वो काबिल तारीफ है मान सिंह एक ऐसा मैनेजर है जो पैसे से लेकर खिलाड़ियों के रिश्ते तक को मैनेज करता है की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने शानदार एक्टिंग की है दीपिका पादकोड़ का रोल छोटा है लेकिन वह फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं सपोर्टिंग कास्ट का काम भी शानदार है सभी खिलाड़ियों जैसे लगे हैं और उन्हीं की तरह एक्ट किया है फिल्म 83 थ्री हरियाणा हरकेन कपिल देव और उनकी जावास टीम की विजय गाथा है जिनके कारनामे में क्रिकेट की दशा और दिशा बदल डाली भारत क्रिकेट की शक्ति के रूप में उभरा यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो इस फिल्म को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता मैं क्रिकेट प्रेमी नहीं हूं इसलिए कई बार जब भी क्रिकेट को लेकर बात होती है तो मुझसे एक बात कही जाती है कि तुम्हें नहीं समझ आएगा हाँ ये सही बात है कि क्रिकेट के दाव पे मुझे समझ नहीं आते लेकिन जो एक बात समझ आती है वो ये है कि जब बात देश की होती है तो कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं होती दिलों में अपने आप एक जोश भर जाता है ऐसा ही जोश भरती है हर देशवासी के दिल में कबीर खान की फ़िल्म एट्टी अगर कहा जाए कि खून का कतरा बहा है तब जाके वर्ल्ड कप देश में आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये जब आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भले ही 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप के गवाह ना बन सके हों लेकिन फिल्म 83 के जरिए कबीर खान ने हमें वो मौका दिया है कि हम उस लम्हे को सिल्वर स्क्रीन के जरिए जी सकें अब इसमें कबीर खान कितना कामयाब हुए हैं ये तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा 83 फिल्म की कहानी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंग्लैंड द्वारा की गई थी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का जिम्मा युवा खिलाड़ी कपिल देव को सौंपा गया जिन्होंने एक ऐसी टीम का नेतृत्व किया जिसे पहले अंडर यानी कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप जिसे क्षमता नहीं होती के रूप में देखा गया और फिर इसी टीम ने साल उन्नीस में देश का पहला विश्व कप खिताब जीता कबीर खान की एट्टी थ्री विश्व कप जीतने वाली इस टीम यात्रा को सहमत करती है जिसने देश को विश्वास कराना और मजबूती के साथ खड़े रहना सिखाया फिल्म की कहानी ऐसी है जो 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट को जीत का इतिहास रचते हुए दर्शाती है विश्व कप के ग्रैंड फाइनल के प्रोग्राम किताबों में लिखे गए हैं लेकिन विश्व कप की यात्रा के दौरान की गई कहानी और किस्सों को कबीर खान ने अपनी इस फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है इसमें दो राय नहीं है कि सिने प्रेमियों के साथ साथ ये फिल्म क्रिकेट प्रेमियों को भी पसंद आने वाली है फिल्म के पहले कुछ मिनट में फिल्म के किरदारों से परिचित कराया जाता है वो भी पासपोर्ट सिक्वेंस का इस्तेमाल करके इस दौरान डायलॉग्स और बातचीत भी सुनाई पड़ती है जिसमें कहा जा रहा होता है कि भारतीयों को विश्वास नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा इस क्षण आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि यह फिल्म सिर्फ 1983 में जीते गए विश्व कप की यादों को ही ताजा नहीं करती बल्कि ये फिल्म सम्मान पाने को लेकर भी है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप उसमें खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं अगर आप एटी थ्री के बाद पैदा हुए हैं तो एक बार को शायद यह एहसास भी हो सकता है कि जब विश्व कप जीता गया तो उस वक्त आप उस लम्हे के गवाह बनने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे मुझे तो यही एहसास हुआ फिल्म के हर एक सीन में इमोशन है एक बात है जो दिल को छूती है फिल्म में कई जगह पर रियल विजुअल भी डाले गए हैं जैसे कपिल देव की व्यापारी जब उन्होंने वर्ल्ड कप बनाया था इसके अलावा एक वो सीन जब संदीप पाटिल और कपिल देव बैटिंग कर रहे होते हैं तो दर्शक मैदान पर दौड़े चले आते हैं एक सीन और रियल दिखाया गया है जब दिलीप चोटिल होते हैं और उनका खून बहता है इस तरह के कई रियल सीन हैं जिन्हें बीच बीच में कबीर ने अपनी इस फिल्म में दिखाया है कबीर खान ने इमोशन के जरिए हर खिलाड़ी में रंग भरे हैं जो उन्हें एक अलग टीम बनाती है हम शायद ही ये सोच सकते हैं कि कृष्णा मचारी श्रीकांत जो क्रिक भी कर सकते हैं इसकी तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने एक्सेंट से जो फिल्म में हुमर डाला है वो कमाल का है यशपाल शर्मा और फिर सरना एमी संधु और बलविंदर संधू और मदन लाल के रूप में हाड़ी संधु इन सभी ने फिल्म में एक अलग ही जान डाली है सीरियस टाइम पर भी इन लोगों का बात करने का स्टाइल एट्टी को बेहद आकर्षक और देखने योग्य बनाता है इसके अलावा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ यानी साकिब सलीन के बीच एक सीन है जिसमें दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे को लुक्स देते हैं उसमें फिर वही भी बोलकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोनों लुक्स देखकर ही एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं यही फिल्म की शार्प और टाइट स्क्रीन प्ले की ताकत भी है फिल्म में आपको रियल कपिल देव और महिंद्र अमरनाथ की झलक भी देखने को मिलेगी महिंद्र अमरनाथ ने फिल्म में अपने पिता लाला अमरनाथ की भूमिकाएँ निभाई है इस फिल्म की सबसे अच्छी खासियत है कि यह फिल्म किसी एक कलाकार को अहमियत देते हुए आगे नहीं बढ़ती फिल्म का हर एक किरदार इस फिल्म की जान है फिर वो छोटे से छोटा रोल निभाने वाली ऑडियंस बने सपोर्टिंग एक्टर से क्यों ना हो फिल्म के कुछ सीन काफ़ी कमाल के हैं जैसे एक जगह पर वेस्ट इंडीज़ के एक गेंदबाज की गेंद से दिलीप चोटिल हो जाते हैं तब पूरी भारतीय टीम हो उठती है संदीप पाटिल हाथ में चोट खाने के बावजूद शानदार बल्लेबाजी करते हैं और महेंद्र अमरनाथ भी अपना पूरा दमखम दिखा देते हैं इसके अलावा फिल्म के कई डायलॉग्स भी अच्छे हैं जैसे मैच को लेकर एक जगह पर कपिल देव और रणबीर सिंह भारतीय टीम के मैनेजर पीआर आर मान सिंह और पंकज त्रिपाठी से बात कर रहे होते हैं तो मान सिंह उन्हें समझाते हैं कि इतना ठीक नहीं है तब कपिल कहते हैं इतना उतना करने नहीं आया मैं यहाँ पर इस सीन में वह अपनी टीम से कहते हैं ठीक ठाक खेलने से नहीं चलेगा अब अवकाश से खेलना होगा सबको वही एक सीन में कुछ अखबार भारतीय टीम की आलोचना में कुछ लिख देते हैं जिसमें हर टीम के लोग कुछ कपिल देव से जवाब देने को कहते हैं तब कपिल उनसे कहते हैं कि हमारी क्रिकेट को हमारा जवाब देना होगा वही अभिनय की बात करें तो हर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय करता हुआ दिखा है हर किसी ने अपने किरदार को बाखूबी जिया है जिसका नतीजा यही है कि यह फिल्म को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है फिल्म में सबसे अच्छे लगे हैं पंकज त्रिपाठी जिनका हैदराबादी एक्शन जबरदस्त है वहीं कई जगहों पर रणवीर सिंह ने आपके कपिल देव की झलक देखने को मिल जाएगी इसके अलावा हर कलाकार बेहतरीन रहा है फिल्म के गाने दर्शकों में और जोश भरते हैं अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर पी आर मान सिंह खिलाड़ियों के बैग लेने पहुंचते हैं जहां दफ्तर के कुछ कर्मचारी उनके साथ मजाक करते हैं यह मजाक युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया के साल उन्नीस वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने वहाँ हारने और फिर वापसी आने तक के तंज को अपने अंदर समेटे हुआ था पी मानसिक जवाब में जीत कर आने की बात कहते हैं फिल्म निर्देशक कबीर सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म तिरासी इसी तंज और जीत कर आने की जिद की कहानी को अपने अंदर लिए हुए है जो पर्दे पर पर्द दिख रही है साल उन्नीस का वर्ल्ड कप हर किसी को याद है जो तब थे उन्हें भी और जो पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी क्योंकि आज़ादी के बाद दुनिया में खेल के मैदान पर भारत को जो ऊंचा सिर हासिल करने की जगह मिलनी थी वो इसी वर्ल्ड कप जीत के बाद मिल पाई क्योंकि दूसरी तरफ ओलंपिक में भारतीय हॉकी का जलवा अब खत्म होने लगा था अड़तीस साल पहले जो हो चुका उसके ऊपर न जाने कितने हज़ारों शब्द लिखे जा चुके हैं कबीर खान ने उसे एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है डायरेक्टर या लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इतनी बड़ी चीज़ को दो ढाई घंटे की फिल्म में किस तरह उतारा जाए क्योंकि हर मिनट में आपको एक किस्सा दिखाई पड़ना है टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर वर्ल्ड कप जीत लाने तक हर एक पल में एक कहानी है टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव से लेकर मैनेजर पी आर मान सिंह के पास अपना एक अनुभव है रणवीर सिंह की इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया है मुंबई के एयरपोर्ट पर रवानगी से लेकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक कबीर खान ने फिल्म नहीं पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है जिसमें अदाकारों को फिट किया गया है हालांकि जिस चीज़ को पर्दे पर उतार रहे हैं वो इतना आसान नहीं था क्योंकि नई पीढ़ी के सामने अड़तीस साल पुरानी यादें ताज़ा करनी थी फिल्म थिएटर को स्टेडियम में बदलना था डायरेक्टर से आगे कलाकारों की बात करें तो रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार में पूरी तरह से जान फूकने का काम किया है रणबीर सिंह फिल्मी हीरो हैं और कपिल देव मैदान के सबसे बड़े हीरो थे कपिल देव के बात करते हुए वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखने जाएंगे तो रणबीर सिंह की तारीफ़ बिल्कुल होगी बॉलिंग एक्शन क्रिकेट साथ की तुलना हो सकती है लेकिन सबसे बेस्ट आपका तब सामने आता है जब आप सबसे बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ पाएँ गर्दन का झुकाना शरमाते हुए बोलना अंग्रेजी को लेकर दिक्कत और उसमें आने वाले पंच रणबीर सिंह ने कपिल देव के किरदार को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाला है रणबीर सिंह के बाद सबसे बेहतरीन काम एक फिर पंकज त्रिपाठी का ही है पी आर मान सिंह इस फिल्म और टीम के खिलाड़ियों के बीच वो धागा है जिसने क्रिकेट के मैदान और ड्रेसिंग रूम की दूरी को कम किया है पंकज त्रिपाठी की टाइमिंग गर्दन हिलाना और आंखों ने एक बार फिर जादू किया फिल्म और वर्ल्ड कप में पी आर मान सिंह का किरदार कितना जरूरी है वो इसी से समझा जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत और आखिर दोनों पी आर मान सिंह पंकज त्रिपाठी से हो रही है फिल्म के बाकी खिलाड़ियों का किरदार निभाने के मामले में सबसे ज्यादा साकिब सलीम उर्फ मोहिंदर अमरनाथ जनित सरना उर्फ यशपाल शर्मा जैसे स्टार्स को आगे रखा गया है साकिब सलीम अपने अंदर पंजाबी बोली लाने में हल्का सा पीछे रह जाते हैं लेकिन जनित सरना ने वो काम बखूबी किया है खिलाड़ियों में एमी विक्र ने बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभाया है लेकिन वो क्रिकेट फील्ड पर संधू को उतना निभा नहीं पाए हालांकि फील्ड के बाहर सबसे बेहतरीन कॉमिक पंच उनके पास ही हैं फिल्म में कपिल देव की वाइफ का किरदार देविका पादगोर ने निभाया है जो असल में रणबीर सिंह की वाइफ है देविका का किरदार काफ़ी छोटा है लेकिन जितने देर भी वह पर्दे पर होती हैं वो पूरा फिल्म ही है यानी उसे सिर्फ शामिल किया गया है ताकि फिल्म में हरोइन की रस्म अदायगी कर जाए और कपिल देव की रियल लाइफ फैमिली की वैल्यू को वर्ल्ड कप से जोड़ा जाए खैर यह एक फिल्म है जो क्रिकेट इवेंट को लेकर बनी है ऐसे में फिल्म में भी क्रिकेट पूरी तरह हावी रहता है और उसे देखने वाले के लिए भी वही सबसे बड़ा बानस भी है लेकिन जैसा कि पहले कहा है कि कबीर खान अपनी कुछ घंटों की फिल्म में काफ़ी कुछ बता देना चाहते थे क्योंकि बताने को काफ़ी कुछ है भी तो उन्होंने हर चीज़ को मिक्स करने की कोशिश की है क्रिकेटिंग शाट रील और रियल फुटेज का बेहतरीन इस्तेमाल वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खासकर बिवियन रिचर्ड का स्वयं दिखाने में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी जो क्रिकेट फैन को तसल्ली भी देता है इसके अलावा अंग्रेजी अखबारों का लिखना कपिल गावस्कर के ताना तनी बीबीसी की हड़ताल समेत कई चीजों का शामिल किया गया है साल उन्नीस में मैं पैदा नहीं हुआ था फिल्म देखने वाली युवा पीढ़ी भी उसी लिस्ट में शामिल होगी ऐसे में थिएटर में इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस शानदार है क्योंकि यहाँ सब कुछ है क्रिकेट बॉलीवुड और देशभक्ति जिसका मसाला जब पर्दे पर उतरता है तो आपको हंसाता भी है और रुलाता भी है फिल्म देखते वक्त आपका क्रिकेट फैन आपके चरम पर होगा तब आप अदाकारी शॉर्ट कट सीन से अलग हटते हैं लेकिन यह एक फिल्म ही है लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त मेरी आंखें नम थी चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है आंखों की नमी को दुनिया ने देखा है लेकिन चेहरे की मुस्कान सिर्फ मेरी थी मेरा मास्क मेरी हंसी को छिपा रहा था उस हंसी में अड़तीस साल पुरानी जीत को पर्दे पर देख पाने का सुकून था जो क्रिकेट के फैन के लिए काफ़ी था बीते दो साल कोरोना से लड़कर गुजारने वाली तीन पीढ़ियों में से एक पीढ़ी ऐसी भी है जिसने रेडियो के आसपास झुंड बनाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है राह चलते पान की दुकान पर रुक स्कोर पूछा है क्रिकेट को दीवानों की तरह देखा जाता है और फिर जब मुंबई के बोबार्न स्टेडियम में विश्व विजेता क्रिकेट टीम के स्वागत में हुए कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने भारत विश्व विजेता गाया तो उनके कैसेट खरीदकर उसे सालों सुना गया ये वह पीढ़ी थी जिसने अपनी किशोरावस्था में ना मोबाइल देखा था ना सोशल मीडिया और ना इंटरनेट और ना ही न्यूज़ चैनल तब समाचार मतलब आकाशवाड़ी या अखबार टेलीविजन मतलब दूरदर्शन और एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए भी ट्रंक कॉल की बुकिंग करानी होती थी फिल्म तिरासी उस दौर की कहानी है जब भारत भी क्रिकेट बस खेलता था जितना उसकी आदत में ही शुमार नहीं था क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों ने उन्नीस वर्ल्ड कप जाने का प्लान भी इस तरह से बनाया था कि वापसी की टिकट फाइनल से पहले ही बुक करा रखी थी और कुछ तो यही से अमेरिका घूमने की तैयारी में निकले थे फिल्म तिरासी क्रिकेट की अनिश्चितताओं की जीत है लेकिन उन्नीस में इस देश में बहुत कुछ हुआ विदेश में कैटरीना कैफ भी हालांकि इसी साल जन्मी उनकी शादी हाल ही में बिकी कैसल से हुई लेकिन ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति रहते और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते इस देश का वह दौर भी आसान नहीं था और फिर उस कपिल देव की टीम ने क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया जिसे हरियाणा से मुंबई जाने पर फास्ट बॉलिंग करने पर सिर्फ दो रोटियाँ मिलती थी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में तारापोर सेवा भिड़े थे दिन की चार रोटियां अपने लिए करवाई और फिर जब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुने जाने की बारी आई तो रोजर बिन्नी और बलविंदर संधू के लिए सिलेक्टर से लड़कर जगह बनाई उस टीम में सुनील गावस्कर भी थे फिल्म तिरासी क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी पर बहुत शांत लेकिन ऐतिहासिक टिप्पणी है फिल्म देखकर पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या गवस्कर ने पूरी कोशिश की थी कि भारतीय टीम उन्नीस का वर्ल्ड कप ना जीते फिल्म तिरासी क्रिकेट के एहसासों की जीत है निर्देशक कबीर खान ने यह फिल्म वहाँ से शुरू की है जहाँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास वर्ल्ड कप खेलने का न्योता आता है और ख़त्म वहाँ की है जिसके बारे में पूरा देश और दुनिया के किसी भी कोने में बसा क्रिकेट प्रेमी भारतीय जानता है जिस कहानी का आदि और अंत पता हो उसके बीच के किस्से ही दर्शक का ध्यान बनाए रखने के लिए जरूरी हैं और फिल्म तिरासी यही करती है यह कपिल देव और टीम के तब के मैनेजर मान सिंह के नज़रिए से एक विजय यात्रा की कहानी है यह यात्रा तिरस्कार अपमान असहयोग और असहमति की यात्रा है और ये यात्रा आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता उदाहरण को सबक सिखाने और हर हाल में हिम्मत न हारने की भी कहानी है यह उस पागल इंसान की कहानी है जिसने पहले दिन से ठान रखा था कि वह इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने पहुंचा है फिल्म तिरासी इसकी लेखन टीम की जीत है कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान और वासना बला ने फिल्म मेहनत मशक्क़त करके किसी तरह लिख भी ली होगी लेकिन इसे बनाना उससे मुश्किल काम रहा होगा और इसके लिए दो लोगों की खास तारीफ मैं यहाँ करना चाहूँगा एक निर्देशक कबीर खान और दूसरे इस कहानी के लिए कलाकार तलेसने वाले मुकेश छाबड़ा